Hello everyone. In the previous video, we had a discussion regarding the time complexity analysis of a program or an algorithm. पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि अगर हमें दो प्रोग्राम्स को कंपेयर करना है तो उनको हम किस किस क्राइटेरियाज के बेसिस पर कंपेयर करेंगे, जहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया कि जितने भी क्राइटेरियाज हमारे पास एग्जिस्टिंग है उन सभी में से दो इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज है हमारे पास. पहला क्राइटेरिया है हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस और जो दूसरा क्राइटेरिया है वो है हमारे पास स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस. अब समझने के लिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ अ फंक्शन होता क्या है, जिसमें हम ये मेजर करते हैं कि अगर आपके पास दो फंक्शंस गिवन है तो उसमें से रेट ऑफ ग्रोथ क्या होता है. और उस वीडियो में काफ़ी बच्चों ने कमेंट भी किया नीचे कि सर क्या आप इसको प्रोग्रामिंग वे के अंदर यानी किसी प्रोग्राम के अंदर आप इस कॉन्सेप्ट को समझा सकते हैं या नहीं समझा सकते, आई मीन क्या आप इस कॉन्सेप्ट को किसी प्रोग्रामिंग वे में समझा सकते हैं. तो इस वीडियो के अंदर ऑब्वियसली दिस इज अ सेकेंड पार्ट ऑफ दैट सेम वीडियो. एक वीडियो के अंदर सभी इंक्लूड करना मुश्किल था बिकॉज पहला जो वीडियो था वो दो घंटे के आसपास का वीडियो था और ये वाला वीडियो भी आपके पास लगभग एक या दो घंटे के आसपास का ये वाला वीडियो भी होगा. अब इस वीडियो के अंदर भी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस के बारे में ही डिस्कशन करेंगे, लेकिन यहाँ पर जब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे तो मैं ये रिलेट करूँगा कि जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस है, जो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ अ फंक्शन है, उसको आप किसी प्रोग्राम के अंदर कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं और कैसे बता पाते हैं कि उस प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी. उससे पहले मैं कुछ एग्जांपल्स भी लूँगा, बिग ओ नोटेशन, बिग ओमेगा नोटेशन और बिग थीटा नोटेशन, उसके बारे में कुछ एग्जांपल्स भी लूँगा. और अभी जो मैं एग्जांपल्स लूँगा वो सभी मैं इस बुक में से ही सारे एग्जांपल्स लूँगा मैं, विच इज़ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम. मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी ये बुक बताया था, इस बुक से ही मैं एग्जांपल ले रहा हूँ इस समय पर. कॉर्मन बुक इस समय पर मैंने उस कॉर्मन बुक से एग्जांपल नहीं लिए, तो बीच बीच में कहीं पर जब भी मैं एग्जांपल कॉर्मन बुक से लूँगा तो आपको मैं कॉर्मन के बारे में बताऊँगा. तो हम लोग अभी जो डिस्कशन करेंगे, सबसे पहले देखो रेट ऑफ ग्रोथ जो हमें डिस्कशन कर रहे थे हम लोग पिछले वीडियो के अंदर, तो रेट ऑफ ग्रोथ जो है अलग अलग फंक्शंस की रेट ऑफ ग्रोथ अलग अलग हो सकती है कि कौन फंक्शन ज़्यादा स्पीड से ग्रो कर रहा है और कौन फंक्शन कम स्पीड से ग्रो कर रहा है अकॉर्डिंग टू द वैल्यू विच इज़ इनपुटेड इन दैट फंक्शन. अब देखो ये जो हमारे पास ये जो मैंने एक चार्ट बनाया है ये चार्ट है कॉमन रेट ऑफ ग्रोथ, यानी कि ये जनरली हम इस तरह की रेट ऑफ ग्रोथ देखने को हमें मिलती है. ये चार्ट सिर्फ ये बता रहा है कि कौन सा रेट ऑफ ग्रोथ बड़ा है और कौन सा रेट ऑफ ग्रोथ छोटा है. तो स्टूडेंट्स को इस तरह के इश्यूज़ काफ़ी फेस करने पड़ते हैं ड्यूरिंग एग्जामिनेशन हॉल, जहाँ पर उनको ये समझ में नहीं आता कि सर अगर हमें दो या तीन अलग अलग फंक्शंस दे दिए तो उन सभी फंक्शंस में से किसका रेट ऑफ ग्रोथ ज़्यादा है और किस फंक्शन का रेट ऑफ ग्रोथ कम है. तो ये जो इश्यूज़ हैं ये काफ़ी बार स्टूडेंट्स को फेस करने को मिलते हैं. अब इसको सॉल्व करने के अलग अलग शॉर्ट ट्रिक्स हैं, टेक्निक्स हैं, जैसे कि आप कहीं पर आप लगाएंगे लॉगरिथम को यूज़ करके आप बता सकते हैं कि दो अगर फंक्शंस है दोनों में से सबसे बड़ा कौन सा है और उससे छोटा कौन सा है. उसके अलावा कई बार आप डिफ्रेंसिएशन की भी हेल्प ले सकते हैं कि डिफ्रेंसिएट करके किसी फंक्शन को आप बता सकते हैं कि उसमें रेट ऑफ ग्रोथ किसका ज़्यादा है और उसका किसका कम है. एक्चुअली ये एक मैथमेटिक्स की तरह समझने की चीज़ है कि आप ऐसे क्या टेक्निक्स इन्वॉल्व करें जो कि ये बता पाए कि अगर दो फंक्शन है दोनों में से बड़ा फंक्शन, दोनों में से कौन सा फंक्शन ज़्यादा स्पीड से या फिर ज़्यादा रेट से ग्रो कर रहा है. ये एक मैथमेटिक्स के समझने वाली चीज़ है. अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझते हैं कि रेट ऑफ ग्रोथ एक्चुअल में है क्या और आपको मैथमेटिक्स के दूसरे कॉन्सेप्ट्स पता है, जैसे डिफरेंशिएशन अगर आपको पता है, अगर आपको ये पता है कि लॉगरिथम्स कैसे वर्क करते हैं, लॉग लेकर आप कैसे बता सकते हैं कि दो फंक्शन में से कौन सा फंक्शन बड़ा है, जो जो कि एक शॉर्टकट टेक्निक है, एक शॉर्टकट वे है. कई बार एग्जामिनेशन में आप कन्फ्यूज हो जाएंगे दो फंक्शंस को देखकर कि कौन सा फंक्शन बड़ा है, तो उस केस में आप एक शॉर्टकट टेक्निक यानी कि लॉगरिथम लेकर आप बता सकते हैं कि कौन सा दोनों में से फंक्शन बड़ा है और कौन सा फंक्शन छोटा है. उसके भी मैं एग्जांपल्स दूंगा. पहला मेरा जो फोकस रहेगा वो रहेगा आपको ये समझाना कि रेट ऑफ ग्रोथ है क्या, फिर रेट ऑफ ग्रोथ निकालते कैसे हैं, जो हमारे पास प्रॉपर जो टेक्निक है, प्रॉपर एक मेथड है, वो कैसे यूज़ करते हैं. और जब आपको एक प्रॉपर मेथड यूज़ आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि प्रॉपर मेथड समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. प्रॉपर मेथड के अंदर ही मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ. जब आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा, जब आपको अच्छे से पता है कि हर चीज़ काम कैसे कर रही है, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि
इसमें शॉर्ट ट्रिक्स कैसे काम करती है, आप शॉर्टकट कैसे लगा सकते हैं जहां पर एग्जामिनेशन हॉल के अंदर अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको चुटकियों में ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, विद इन 10 सेकंड्स आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं अगर आपको शॉर्टकट ट्रिक्स नहीं पता तो उसमें आप बहुत लंबे टाइम तक अटके रहेंगे, एक एक क्वेश्चन को करने में आपको 10 मिनट लग जाएगा, लेकिन अगर आपको शॉर्टकट ट्रिक्स पता है तो आप चुटकियों में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो ये कॉमन रेट ऑफ ग्रोथ है जो सबसे पहले जो दिखा रहा है 2^2^n, इसका जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो n फैक्टोरियल से काफ़ी बड़ा है, तो n फैक्टोरियल का जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो इससे छोटा है, n फैक्टोरियल से छोटा है हमारे पास 4^n, उससे छोटा होता है हमारे पास 2^n, यानी कि इसका रेट ऑफ ग्रोथ इसके रेट ऑफ ग्रोथ से कम है। ऐसे ही 2^n का जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो n फैक्टोरियल से कम है, यानी कि n फैक्टोरियल का रेट ऑफ ग्रोथ 2^n से काफ़ी ज़्यादा है। उसी तरीके से अगर यहाँ पर मैं पुट कर सकता हूँ लेट अस से 3^n, तो 3^n का रेट ऑफ ग्रोथ 2^n से ज़्यादा होगा, ऐसे ही 5^n का रेट ऑफ ग्रोथ 4^n से ज़्यादा होगा, ऐसे ही 50^n का रेट ऑफ ग्रोथ इनसे ज़्यादा होगा, है ना। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि इसमें से किसका रेट ऑफ ग्रोथ क्या है, वो आप उसको अपने अकॉर्डिंगली जज कर सकते हैं। अब अगर मैं n स्क्वायर लिखता हूँ तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर काफ़ी मिस्टेक करते हैं, n स्क्वायर का रेट ऑफ ग्रोथ 2^n से कम होता है। नेक्स्ट है हमारे पास n log n और साथ साथ में log n फैक्टोरियल। जनरली ऐसा माना जाता है कि जो n log n का और log n फैक्टोरियल का जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो वेरी सिमिलर है, वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज है, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है, इसको आप कह सकते हो हल्का सा स्लाइटली इसका रेट ऑफ ग्रोथ ज़्यादा हो सकता है एज़ कम्पेयर टू log n फैक्टोरियल। ये हमने इसको इस तरीके से कैसे लिखा है, जब मैं आपको लॉगरिथम की एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि हम जनरली मेजर करते हैं, हम जनरली शॉर्ट ट्रिक से भी हम लोग कई बार निकालते हैं कि जो log n फैक्टोरियल का रेट ऑफ ग्रोथ है वो हमारे पास n log n से काफ़ी हद तक इक्वल है, बिकॉज जो n फैक्टोरियल है उस नंबर को हम रेट ऑफ ग्रोथ की हेल्प से हम उसको n के इक्वल प्रूव कर सकते हैं, जो कि मैं आपको बताऊंगा आगे होता क्या है। जैसे कि ये हमारे पास n फैक्टोरियल है, जब हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे तो हम इसको ऑर्डर ऑफ n^n लिखेंगे। ये क्यों लिखेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अगर आप इसको n^n कह सकते हैं तो आप इसी तरीके से n log n का जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो log n फैक्टोरियल के इक्वल के आसपास समझ सकते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास n का जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो log n फैक्टोरियल से कम होता है, उसी तरीके से n का जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो n log n से कम होता है। फिर हमारे पास 2^log n, अब ये जो 2^log n है इसका रेट ऑफ ग्रोथ n से छोटा है। ध्यान दीजिए यहाँ पर 2^log n है और यहाँ पर 2^n है, तो कभी आप इस चीज़ को कन्फ्यूज मत कीजिएगा, बिकॉज जो अगर इस तरीके से अगर आप कई बार कहेंगे, कई बार एग्जांपल्स में ऐसा आपको लगेगा कि हमारे पास जो n का जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो इससे कम हो जाना होना चाहिए, लेकिन जब आप इसको एक्चुअल में कैलकुलेट करेंगे आपको पता चलेगा कि 2^log n का जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो ऑर्डर ऑफ n से भी कम है। फिर हमारे पास आता है log स्क्वायर n, और फिर उससे कम रेट ऑफ ग्रोथ होता है हमारे पास अंडर रूट ऑफ log n, और उससे कम रेट ऑफ ग्रोथ होता है हमारे पास log ऑफ log n, और जो सबसे कम रेट ऑफ ग्रोथ होता है हमारे पास वो है ऑर्डर ऑफ 1। अब ध्यान दीजिए जब मैं लिखता हूँ log ऑफ log n, इट कैन नॉट बी रिटन एज log स्क्वायर n। काफ़ी बार स्टूडेंट्स इस मिस्टेक को करते हैं कि log ऑफ log n को log स्क्वायर n के इक्वल एज्यूम करते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में स्पेशली इस तरह की मिस्टेक्स वो बहुत ज़्यादा करते हैं, इस तरह की मिस्टेक्स में बहुत कन्फ्यूजन होती है। जनरली जब मैं log स्क्वायर n कहता हूँ इसका मतलब क्या है, इट इज़ log n मल्टीप्लाइड बाय log n, दैट इज़ वाई इट इज़ रिटन एज log स्क्वायर n। लेकिन जब मैं log ऑफ log n कहता हूँ इसका मतलब क्या है कि आप log n निकालिए और फिर उसका log लीजिए, दैट इज़ log ऑफ log n। तो इसी वजह से log ऑफ log n एंड log स्क्वायर n में डिफरेंस है, और काफ़ी बच्चे माइंडेड ड्यूरिंग क्लासरूम जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो 60% क्लास के जो बच्चे हैं वो log ऑफ log n और log स्क्वायर n का मीनिंग ही नहीं समझ पाते, वो इनका डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते हैं, और ये फेलियर जो है ये हमारे आई डोंट नो किसका फेलियर है, मैं इसके बारे में कुछ कमेंट नहीं कर सकता, बट स्टिल अगर आप log स्क्वायर n और log ऑफ log n का आपको मीनिंग यहाँ पर समझना पड़ेगा कि इनके बीच में डिफरेंस है। अब जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर मैं ऑर्डर ऑफ 1 लिखता हूँ, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। जहाँ पर भी मैं लिखूँगा ऑर्डर ऑफ log n, इसको हम बोलेंगे लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। जब मैं बोलूँगा ऑर्डर ऑफ n, इसको हम बोलेंगे लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी।
अगर मैं बोलता हूँ ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन, इसको हम बोलेंगे लीनियर लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। जब मैं बोलूँगा ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। जब मैं बोलूँगा ऑर्डर ऑफ एन क्यूब, इसको हम बोलेंगे क्यूबिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और जब मैं बोलूँगा ऑर्डर ऑफ टू रेस्ट पावर एन, इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। चाहे वो हमारे पास टू रेस्ट पावर एन हो, चाहे वो थ्री रेस्ट पावर एन हो, फोर रेस्ट पावर एन हो, फाइव रेस्ट पावर एन हो, या फिर अगर हमारे पास है एन इंटू टू रेस्ट पावर एन, तो n इंटू टू रेस्ट पावर n को भी हम एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ही मेजर करते हैं, बिकॉज ये जो टू रेस्ट पावर n टर्म है वो n से काफ़ी बड़ी है। जनरली वाई वी कॉल इट एज एक्सपोनेंशियल, वाई वी डोंट कॉल इट एज लीनियर एक्सपोनेंशियल, बिकॉज देखिए आप अगर एक कार को बाय करेंगे और एक बाइसिकल को बाय करेंगे, तो जब आपसे टोटल कॉस्ट पूछी जाएगी तो आप बोलेंगे कि जी सर कार की कॉस्ट, जैसे कि अगर आपने कार बाय की है 10 लाख में और बाइसिकल बाय की है 2000 में, तो जब कोई अगर आपसे पूछता है कि आपने कितने का बाय किया दोनों, तो आप बोलोगे 10 लाख। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो n है और 2 रेस्ट पावर n है, इसमें 2 रेस्ट पावर n की जो टर्म है वो n से बहुत बड़ी है। इसी वजह से इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इस टर्म को जब भी हम प्रोनाउंस करेंगे तो हम इसको बोलेंगे इट इज़ ए एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब ध्यान दीजिए, ये कुछ एग्जांपल्स हैं एल्गोरिथम के जहाँ पर हमें इस तरह की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलती है, लेकिन आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इन एल्गोरिथम से हम किस तरह से निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ ये देखना है कि ये अगर आप कुछ एल्गोरिथम्स देखते हैं तो ये एक एग्जाम्पल है एल्गोरिथम्स का जिनकी ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें देखने को मिलती है। जैसे कि अगर आपके पास एक लिंक लिस्ट है, लिंक लिस्ट में आप किसी लिंक लिस्ट के अंदर फ्रंट में अगर किसी एलिमेंट को ऐड करना है, तो फ्रंट में एलिमेंट को ऐड करने के लिए वी हैव कॉन्स्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। दूसरा, अगर आपके पास एक सॉर्टेड अरे है, सॉर्टेड अरे के अंदर आपको कोई एलिमेंट को सर्च करना है, तो सर्च करने के लिए आप उस सॉर्टेड अरे में बाइनरी सर्च लगाएंगे, और जो बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है हमारी लॉग एन। जनरली इट इज़ लॉग एन बेस 2, लेकिन लॉग एन बेस 2 के अंदर हम सिर्फ उसको लॉग एन ही बोलते हैं। मैं रीज़न बताऊंगा कि हम उसको बेस 2 को क्यों इग्नोर कर देते हैं। तीसरा, अगर आपके पास है फाइंडिंग एन एलिमेंट इन एन अनसॉर्टेड अरे, एक अनसॉर्टेड अरे के अंदर आप बाइनरी सर्च नहीं लगा सकते, एक अनसॉर्टेड अरे के अंदर आपको लीनियर सर्च ही लगाना पड़ेगा, और जो लीनियर सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज ऑर्डर ऑफ एन। चौथा, अगर आपके पास कुछ अनसॉर्टेड डेटा है और आपको उसको सॉर्ट करना है, तो हमारे पास बहुत सारी सॉर्टिंग टेक्निक्स एग्जिस्टिंग है, जैसे कि बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, रेडिक्स सॉर्ट एंड सो मेनी अलग अलग हमारे पास टेक्निक्स है, बकेट सॉर्ट, राइट। तो इतनी सारी सॉर्टिंग टेक्निक्स है, इन सब टेक्निक्स में से जो हमारे पास मर्ज सॉर्ट टेक्निक है उसके अंदर वर्स्ट केस, एवरेज केस एंड बेस्ट केस, तीनों केसेस पर मर्ज सॉर्ट जो है वो ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन टाइम लेता है। फिर अब अगर आपके पास कोई ग्राफ गिवन है, उस ग्राफ के अंदर बिटवीन टू नोड्स अगर आपको शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है, तो शॉर्टेस्ट पाथ को निकालने के लिए आप ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी दैट इज ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। फिर जैसे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है, यानी कि दो मैट्रिसेस को आपको मल्टीप्लाई करना है, तो उस केस में जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी दैट इज़ ए क्यूबिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और उसके बाद जो हमारे पास एक प्रॉब्लम है दैट इज टावर्स ऑफ हैनॉय प्रॉब्लम, तो टावर्स ऑफ हैनॉय में हमारे पास एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगती है। अब टावर्स ऑफ हैनॉय प्रॉब्लम के आगे भी हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम है, जैसे कि एक हमारे पास ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम है, तो ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो इवन टावर ऑफ हैनॉय प्रॉब्लम से ज़्यादा है, बट ट्रैवलिंग सेल्समैन की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है हम उसको भी एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ही कहते हैं, तो वो भी कही जाएगी एज ए एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब आगे बढ़ने से पहले मैं एक एग्जांपल्स लेता हूँ कि अगर आपके पास कुछ फंक्शंस गिवन हैं तो उन फंक्शंस को नोटेशंस में आप किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, और फिर मैं आऊँगा प्रोग्राम्स में जहाँ पर आपको बताऊँगा कि अगर आपको कुछ प्रोग्राम्स गिवन है, कुछ प्रोग्राम्स चाहे वो रिकर्सिव हो या फिर नॉन रिकर्सिव हो, तो उन प्रोग्राम्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को आप किस तरीके से निकाल सकते हैं, और उसके बाद सबसे लास्ट में मैं आपके साथ शॉर्टकट्स को डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो मैं इसको रब कर देता हूँ, फिर मैं आपके पास वापस आऊँगा। अब मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं यहाँ पर, जहाँ पर हम लोग इन सभी फंक्शंस के लिए बिग ओ नोटेशंस निकालेंगे, फिर बिग ओमेगा नोटेशन निकालेंगे, और फिर बिग थीटा नोटेशन निकालेंगे। तो मेरा एक एम है कि आपको इन एग्जाम्पल से समझ में आ जाना चाहिए कि हम जब किसी भी फंक्शन की बिग ओ नोटेशन निकालते हैं तो वो कैसे निकलती है, और उसमें क्लोजेस्ट बाउंड का क्या मतलब है, ठीक है। देखिए,
जो सबसे पहला फंक्शन है, देखो मैं सिर्फ एक या दो फंक्शन का समझाऊंगा आपको, फिर दो तीन फंक्शन के बाद तो आप इसको चुटकियों में सॉल्व करेंगे, आपसे इजीली ये हो जाएगा। पहला जो फंक्शन है वो गिवन है एफ एन इज इक्वल टू 3n प्लस 8। देखिए फंक्शन है एफ एन इज इक्वल टू 3n प्लस 8। जब आप इस फंक्शन को चेक करेंगे तो इस फंक्शन को आप ड्रॉ कर सकते हैं इन अ ग्राफ। अगर मैं इस फंक्शन को मैं ग्राफ में ड्रॉ करूंगा, दिस इज अ ग्राफ, ठीक है, और हम कुछ n की वैल्यूज ले लेते हैं, n की कुछ वैल्यूज, दिस इज फंक्शन fn एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ n। n की वैल्यू अगर 1 है तो फंक्शन fn की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 3 प्लस 8 विच इज 11। n की वैल्यू अगर 2 है तो फंक्शन fn की वैल्यू कितनी होगी, 6 प्लस 8 का मतलब कितना है, 14। n की वैल्यू अगर 3 है तो फंक्शन fn की वैल्यू होगी हमारे पास, आप चेक कर सकते हैं, दैट इज 9 प्लस 8 दैट इज 17। n की वैल्यू अगर हमारे पास 4 है तो सिर्फ 3 का डिफरेंस आ रहा है हर एक केस में, तो इट इज 20। n की वैल्यू 5 है तो इट इज 23। n की वैल्यू 6 है तो इट इज 26 एंड सो ऑन। अगर आप इसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे, देखिए दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग द फंक्शन वैल्यूज विच कैन बी 10, 20, 30, 40, मेक इट लाइक दिस, और आप इसको 5 के गैप में भी मेजर कर सकते हैं, तब भी ईजी रहेगा बनाना। सो इट इज़ 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड सो ऑन। अब आप चेक करें, जब n की वैल्यू 1 है तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू है 11, जब n की वैल्यू 2 है तो फंक्शन की वैल्यू है 14, जब n की वैल्यू 3 है तो फंक्शन की वैल्यू है 17, जब n की वैल्यू 4 है तो फंक्शन की वैल्यू है 20, जब n की वैल्यू 5 है तो फंक्शन की वैल्यू है 23, जब n की वैल्यू 6 है तो फंक्शन की वैल्यू है 26। ओके, सो दिस इज 23 हियर एंड दिस इज 26 हियर, ओके, और जब n की वैल्यू 0 है तो उस समय फंक्शन की वैल्यू है 8। तो आप इसको चेक करेंगे तो फंक्शन जो है वो स्ट्रेट इस तरीके से ग्रो कर रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द फंक्शन fn। ये इसी वजह से, बिकॉज ये एक लीनियरली ग्रो कर रहा है, इसका एक लीनियर स्लोप है, दैट इज वाई इस तरह का जो फंक्शन है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा लीनियर निकलेगी। अब इसके लिए अपर बाउंड क्या हो सकते हैं, अगर मैं एक फंक्शन इस तरीके से लेता हूँ कि फंक्शन है हमारे पास जी एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर, तो वो इसके लिए एक अपर बाउंड होगा। उसी तरीके से अगर मैं एक फंक्शन लेता हूँ लेट अस से एच एन विच इज इक्वल टू एन क्यूब, वो भी इसके लिए एक अपर बाउंड होगा। अगर मैं एक फंक्शन लेता हूँ लेट अस से आई एन और उसकी वैल्यू है हमारे पास एन, तो क्या ये इसके लिए अपर बाउंड होगा या नहीं होगा, तो ये हमें चेक करना है। अब ध्यान दे, अगर मैं जी एन को प्लॉट करूँगा, देखो मेरा एम है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है, तो अगर मैं जी एन को प्लॉट करता हूँ यहाँ पर जी ऑफ एन, जी एन जो है वो है एन स्क्वायर, अगर वैल्यू 1 है एन की तो जी एन की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 1, अगर n की वैल्यू 2 है तो जी एन की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 4, n की वैल्यू 3 है तो जी एन की वैल्यू होगी हमारे पास 9, n की वैल्यू 4 तो जी एन की 16, n की वैल्यू 5 तो जी एन की 25, n की वैल्यू 6 तो जी एन की 36 एंड सो ऑन। अगर आप जी एन को इसी सेम ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो क्या होगा, n की वैल्यू 1 तो जी एन की भी वैल्यू 1, तो जी एन यहाँ पर है इस समय पर, n की वैल्यू 0 तो जी एन इज ऑल्सो 0, जब n की वैल्यू 2 है तो gn की वैल्यू होगी 4, तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग 4, n की वैल्यू 3 है तो gn की वैल्यू होगी हमारे पास 9, सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग 9, n की वैल्यू 4 है तो gn की 16, सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग 16, n की वैल्यू 5 है तो gn की 25, सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग 25, n की वैल्यू 6 है तो gn की 36, सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग 36। तो अगर आप इसको प्लॉट करेंगे तो ये किस तरीके से ग्रो कर रहा है, ये इस तरीके से ग्रो कर रहा है। तो ये हो गया हमारे पास फंक्शन जी एन। अब ध्यान दीजिए, कुछ छोटी एन की वैल्यूज के साथ जो जी एन की वैल्यू है वो सब छोटी है, लेकिन एन जी एन जो है वो कब बड़ा हुआ, व्हेन एन इज इक्वल टू 5। अगर आप इसको चेक करेंगे तो जहां पर हमारे पास एन इज इक्वल टू 5 है तो ये जो पॉइंट हुआ, ये पॉइंट हुआ हमारे पास एन नॉट, और इस केस में कॉन्स्टेंट सी इज इक्वल टू हमने 1 लिया था, तो कॉन्स्टेंट सी इज इक्वल टू 1 और एन की वैल्यू एन नॉट की वैल्यू 5 है, तो इस पॉइंट के बाद जी एन हमेशा एफ एन से बड़ा है। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि एफ एन इज ऑर्डर ऑफ जी ऑफ एन,
क्यों? क्योंकि जी एफ एन का जो ग्रोथ रेट है वो एफ एन से भी ज्यादा है. उसी तरीके से जब आप एच ऑफ एन इज इक्वल टू एन क्यूब का ग्रोथ रेट चेक करेंगे तो इसका जो ग्रोथ रेट है वो जी ऑफ एन से भी ज्यादा है. तो आप इसके लिए अगर आप इस तरह से ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एफ एन कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज ऑर्डर ऑफ एच एन. अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर मैं लेता हूं आई एन इज इक्वल टू एन, ये एक है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. इस तरीके से अगर आप ग्रोथ रेट अगर इस तरीके से एज्यूम कर रहे हैं, एन स्क्वायर, एन क्यूब, एन रेज़ पावर 4, एन रेज़ पावर 5, तो किसी भी फंक्शन के लिए देर आर इनफाइनाइट डिफरेंट फंक्शंस जो कि उससे बड़े हो सकते हैं. तो इस फंक्शन के लिए जो एफ एन एक फंक्शन है, इसके लिए अलग अलग इन्फाइनाइट ऐसे फंक्शन हो सकते हैं जिनका ग्रोथ रेट इससे ज्यादा है. तो हमें हर एक फंक्शन को चेक नहीं करना है. मैंने आपको बताया कि जब भी हम किसी फंक्शन के लिए अपर बाउंड या फिर लोअर बाउंड देंगे, अपर बाउंड या लोअर बाउंड देंगे, तो हमसे क्लोजेस्ट बाउंड की बात करेंगे. तो जब भी मैं फाइंड द अपर बाउंड की बात करता हूँ या किसी भी क्वेश्चन में आपको फाइंड द अपर बाउंड की बात करते हैं, तो उस केस में हम निकालना चाहते हैं कि व्हाट इज द क्लोजेस्ट अपर बाउंड, यानी कि ऐसा कौन सा अपर बाउंड है जो उस फंक्शन के सबसे क्लोज है. व्हाट इज द क्लोजेस्ट अपर बाउंड? तो इस फंक्शन के सबसे क्लोजेस्ट अपर बाउंड क्या है? देखिए, मैंने लिया आई एन इज इक्वल टू एन. अब आई एन की वैल्यूज को चेक कर लेते हैं. आई एन के केस में पहले तो आप एफ एन की डेफिनेशन समझिए. अपर बाउंड की डेफिनेशन क्या थी हमारे पास? इफ वी कैन से दैट एफ एन इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू सी डॉट जी एन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन नॉट एंड सी इज ए कॉन्स्टेंट एंड सी इज ए कॉन्स्टेंट. अगर ऐसा कहीं पर एग्जिस्ट करता है देन वी से दैट एफ एन इज ऑर्डर ऑफ जी एन. समझ में आया? अब देखिए, हमारे पास है आई एन इज इक्वल टू एन. तो आई एन इज इक्वल टू एन में मैं एफ एन और आई एन को ड्रॉ करता हूँ. यहाँ पर दिस इज एन, दिस इज एफ ऑफ एन एंड दिस इज आई ऑफ एन. लेकिन अगर मैं आई ऑफ एन के साथ जो हमारे पास एक कॉन्स्टेंट सी लगता है, अगर इस कॉन्स्टेंट सी की वैल्यू को मैं 3 से बड़ा एज्यूम करूँ, चाहे वो 3.1 हो, 3.2 हो या फिर 4 हो, लेट अस से द कॉन्स्टेंट सी इज इक्वल टू 4, तो क्या होगा? आपको पता चलेगा जो आई एन है वो एफ एन से बड़ा होगा. अब आई एन रिप्रेजेंट कर रहा है एन को. अगर सी की वैल्यू 4 हुई तो आई एन की वैल्यू कितनी होगी? आई एन इज इक्वल टू 4 इंटू एन, वेयर 4 इज द कॉन्स्टेंट वैल्यू सी. अब एन की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी हो सकती है. एन की वैल्यू 1 है तो एफ एन की है 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29 एंड सो ऑन. तो आई एन की वैल्यू कितनी होगी? पहले केस में इट इज 4, दैट इज 4 इंटू 1. अगले केस में इट इज 8, दैट इज 4 इंटू 8. नेक्स्ट केस में इट इज 12. नेक्स्ट वैल्यू इट इज 16. अगली वैल्यू 20. अगली वैल्यू 4 इंटू 6 इज 24. नेक्स्ट वैल्यू 7 इंटू 4 इज 28. नेक्स्ट वैल्यू 4 इंटू 8. 4 इंटू 8 कितना होगा हमारे पास? 32. और यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पर वैल्यू होगी हमारे पास 32. जब आई की वैल्यू, एन की वैल्यू 9 हो जाएगी, उस केस में हमारे पास एफ एन की वैल्यू कितनी होगी? एफ एन विल बी 35. लेकिन आई एन की वैल्यू कितनी होगी? 9 इंटू 4 इज 36. अगर आप इस पॉइंट के आगे मेजर करेंगे तो आपको पता चलेगा एन नॉट इज इक्वल टू 8, उसके बाद हमेशा आई एन की वैल्यू जो है वो एफ एन से बड़ी है. अब ध्यान दीजिए, इस केस में हमने कॉन्स्टेंट सी की वैल्यू एज्यूम करी थी 4. हम कॉन्स्टेंट सी की वैल्यू कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं. इट कैन बी वेरी लार्ज वैल्यू और इट कैन बी वेरी स्मॉल वैल्यू. अगर मैं सी की वैल्यू एज्यूम करता हूँ यहाँ पर 3, सो लेट अस से सी इज इक्वल टू 3, और इंस्टेड ऑफ 3 लेट अस से आई एम एज्यूमिंग सी इज इक्वल टू 10. अगर सी की वैल्यू 10 है तो क्या होगा? सी की वैल्यू 10 है तो पहले एन इज इक्वल टू 1 में इसकी वैल्यू होगी 10, नेक्स्ट वैल्यू होगी 20, नेक्स्ट वैल्यू होगी 30, नेक्स्ट वैल्यू होगी 40, 50 एंड सो ऑन. तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है एन नॉट, ये बहुत पहले आ जाएगा, जबकि यहाँ पर ये पॉइंट बहुत बाद में आया था. ध्यान दीजिए, अगर ये पॉइंट एन नॉट एग्जिस्ट करता है, अगर ये पॉइंट एन नॉट एग्जिस्ट करता है, तो सी कॉन्स्टेंट की वैल्यू सिर्फ इस एन नॉट पॉइंट को या तो यहाँ पर शिफ्ट करेगी या फिर यहाँ पर शिफ्ट करेगी, या तो लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेगी या फिर राइट साइड में शिफ्ट करेगी. लेकिन अगर किसी दो फंक्शंस के लिए एन नॉट एग्जिस्ट नहीं करता, कभी भी एन नॉट एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो पॉइंट आपको कभी आएगा ही नहीं. ऐसा हो सकता है कि इस एन नॉट पॉइंट से पहले जो फंक्शन है वो फ्लक्चुएट कर रहे हैं, कभी एक एफ एन फंक्शन बड़ा है, कभी जी एन फंक्शन बड़ा है, उनकी वैल्यूज फ्लक्चुएट कर सकती है. लेकिन एन नॉट फंक्शन के बाद हमेशा अगर जी एन बड़ा है, यानी कि जी एन उसको हमेशा एक अपर बाउंड दे रहा है जिसकी जी एन की वैल्यू हमेशा उससे बड़ी है, तो हम कह सकते हैं एफ एन इज ऑर्डर ऑफ जी एन.
अब इस केस में बिकॉज ऑफ सी, सी की पावर की वजह से, सी की वजह से ये पॉइंट जरूर आएगा. अगर आप इसको यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो इस फंक्शन के जो सबसे क्लोजेस्ट फंक्शन रहेगा, जैसे कि देखो हमने सी इज इक्वल टू 4 लिया, तो जो सबसे क्लोजेस्ट रहेगा इस फंक्शन के, जो सबसे बिल्कुल पास में रहेगा इस फंक्शन के, वो रहेगा सेम पावर वाला फंक्शन. जैसे कि यहाँ पर हमने लिया था आई एन इज इक्वल टू एन, तो इस फंक्शन के जो सबसे क्लोजेस्ट हमेशा रहेगा वो रहेगा ऑर्डर ऑफ एन. ध्यान दीजिए इनमें से किसी भी क्वेश्चन के अंदर, चाहे वो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, इतने किसी भी क्वेश्चन के अंदर हमेशा जब भी आपको क्लोजेस्ट अपर बाउंड मिल रहा है तो हमेशा इसके जो सबसे बड़े वेरिएबल की जो पावर है, जो सबसे बड़ा आप एन है जैसे यहाँ पर, उसकी जो पावर है वही आपका सबसे क्लोजेस्ट अपर बाउंड देगा. अगर मैं ब्लाइंडली बिना किसी कैलकुलेशन के भी चेक करता हूँ तो इसका जो क्लोजेस्ट अपर बाउंड है वो रहेगा ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, सबसे बड़ी पावर. इसका जो क्लोजेस्ट अपर बाउंड है वो रहेगा ऑर्डर ऑफ एन रेज टू पावर 4, सबसे बड़ी पावर. इसका जो क्लोजेस्ट अपर बाउंड है वो रहेगा ऑर्डर ऑफ एन क्यूब, यानी कि सबसे बड़ी पावर. इसका जो क्लोजेस्ट अपर बाउंड है वो रहेगा ऑर्डर ऑफ एन. इसका जो सबसे बड़ा अपर बाउंड है वो रहेगा ऑर्डर ऑफ 1. मैंने यहाँ पर ऑर्डर ऑफ 1 क्यों लिया, क्योंकि इस केस में अगर मैं कॉन्स्टेंट सी की वैल्यू को 411 एज्यूम करता हूँ तो इसे बड़ा हो जाएगा. तो ये जो कांस्टेंट अपर बाउंड है यहाँ पर, अगर एक फंक्शन की वैल्यू कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू है विच इज़ ए कांस्टेंट वैल्यू, उसके अंदर एन की वैल्यू नहीं है, तो ये हमेशा ऑर्डर ऑफ 1 ही इवैल्यूएट होगा. उसी तरीके से जब मैं लोअर बाउंड की बात करता हूँ, तो लोअर बाउंड का मतलब क्या है कि जितने भी बाउंड्स हैं उन सबसे छोटा कौन सा है. जैसे कि ये 5n² है, इसके लोअर बाउंड कैसा होगा, ओमेगा ऑफ एन इसका एक लोअर बाउंड है, ओमेगा ऑफ एन इसका एक लोअर बाउंड है, क्योंकि ये फंक्शन इससे छोटा है. उसी तरीके से ओमेगा ऑफ एन लॉग एन भी इसका एक लोअर बाउंड है, क्योंकि ये फंक्शन इससे छोटा है. उसी तरीके से ओमेगा ऑफ एन अंडर रूट ऑफ एन भी इससे छोटा रहेगा, क्योंकि ये फंक्शन भी इससे छोटा है, राइट. इसी तरीके से इस फंक्शन के लिए देर आर इन्फाइनाइट लोअर बाउंड हो सकते हैं, लेकिन इसका सबसे क्लोजेस्ट लोअर बाउंड क्या रहेगा यहाँ पर, ओमेगा ऑफ एन स्क्वायर. ओमेगा ऑफ एन स्क्वायर यानी कि ऐसा लोअर बाउंड जो सबसे पास है इसके, ओमेगा ऑफ एन स्क्वायर में अगर आप कॉन्स्टेंट सी की वैल्यू को 5 से छोटा एज्यूम करेंगे तो हमेशा ये फंक्शन इससे छोटा ही आएगा. उसी तरीके से इस पूरे फंक्शन के लिए जो सबसे लोअर बाउंड है दैट इज ऑल्सो ओमेगा ऑफ एन. इस पूरे फंक्शन के लिए जो सबसे छोटा लोअर बाउंड है दैट इज ओमेगा ऑफ एन क्यूब. ठीक है, अब आपके दिमाग में कन्फ्यूजन रहेगा कि सर अगर जो सबसे बड़ा जो पावर है, अगर इस बड़ी पावर को ही इसका अपर बाउंड और इस बड़ी पावर को ही आप लोअर बाउंड ले रहे हो तो इनमें डिफरेंस क्या है. ध्यान दीजिए, जो डिफरेंस है आपको तब समझ में आएगा जब मैं इसको प्रोग्रामिंग फॉर्म में आपको दिखाऊंगा. जैसे काफ़ी जो प्रोग्राम है, जब भी हम उसकी बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, यानी कि कम से कम वो कितना टाइम लेगा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने में, या फिर कम से कम वो कितनी स्पेस लेगा, तो उस केस में हम हमेशा ओमेगा की बात करेंगे. और जब भी किसी प्रोग्राम के बारे में हम अपर बाउंड की बात करते हैं कि वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने में या मैक्सिमम कितना टाइम लेगा, या फिर वो प्रोग्राम मैक्सिमम कितनी स्पेस लेगा जो हमारा वर्स्ट केस होता है, उसके लिए हम हमेशा अपर बाउंड की बात करते हैं. अब किसी भी फंक्शन के अंदर जब हमारा लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों की वैल्यू सेम हो जाए, किसी प्रोग्राम के लिए लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों की वैल्यू सेम हो जाए, उस केस में हम उस फंक्शन के लिए थीटा नोटेशन दे सकते हैं. ये जो चीज़ है थीटा नोटेशन में भी वैलिड है. यहाँ पर जो थीटा नोटेशन रहेगी वो थीटा ऑफ एन स्क्वायर रहेगी, और यहाँ पर भी जो थीटा नोटेशन रहेगी दैट इज थीटा ऑफ एन क्यूब रहेगी. अगर आप फंक्शन को सिर्फ इस तरीके से लिखते हैं तो यहाँ पर अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों जो सबसे बड़ी पावर है उसी से आप इवैल्यूएट कर सकते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग फॉर्म में इसको कैसे इवैल्यूएट करेंगे वो मैं आपको आने वाले कुछ वीडियोस के अंदर बताऊंगा. लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर सिंपल आपके पास एक लूपिंग वाले प्रोग्राम है, जैसे कि फॉर लूप है, वाइल लूप है, डू वाइल लूप है, तो उन सब की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी. फिर मैं आपको बताऊंगा कि एक सिंपल एक लीनियर सर्च अगर आप करते हैं तो लीनियर सर्च में लोअर बाउंड का कॉन्सेप्ट और अपर बाउंड का कॉन्सेप्ट किस तरीके से वैलिड है, और इसी तरीके से बाकी जो सर्चिंग एल्गोरिथम्स हैं या फिर बाकी जो भी एल्गोरिथम्स हम पूरे सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं उन सब में ये लोअर बाउंड का कॉन्सेप्ट और अपर बाउंड का कॉन्सेप्ट किस तरीके से वैलिड है और उसमें किस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. अब मैं स्क्रीन को रब करता हूँ. स्क्रीन को रब करने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास कुछ सिंपल प्रोग्राम्स हैं, कुछ सिंपल लूपिंग वाले प्रोग्राम्स हैं, तो उन लूपिंग वाले प्रोग्राम में ये फंक्शन जो है ये किस तरीके से आप इवैल्यूएट कर सकते हैं कि कितनी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो रही हैं, और फिर उन स्टेटमेंट्स से आप निकाल सकते हैं कि उस फंक्शन की, उन लूपिंग वाले स्टेटमेंट्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी. ठीक है, मैं इसको रब करता हूँ फिर मैं आपके पास वापस आता हूँ. अब यहाँ पर मैंने कुछ गाइडलाइंस लिखी है टू फाइंड द एसिम्प्टोटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिफरेंट फंक्शंस. तो मैं छोटी छोटी स्टेटमेंट्स हैं प्रोग्रामिंग की, उनको एनालाइज कर रहा हूँ कि उनके अकॉर्डिंग
number of statements kitni execute hogi aur usse aap time complexity kaise nikal sakte hain. Jaise ki sabse pehle maine liya loop, to looping mein hamare paas ek for loop hai. Ab ye chote chote programming constructs hain jinke according jinse I'm just simplifying finding the time complexity of a given function. Iske alawa fir main thode complicated bhi lunga iske baad. एक एक करके हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे. पहले कुछ इजी देखेंगे, इजी के बाद फिर हम थोड़ा मीडियम लेवल की प्रॉब्लम्स देखेंगे और फिर उसके बाद हम थोड़ा हार्ड लेवल की प्रॉब्लम्स देखेंगे. सबसे पहले है हमारे पास लूप्स, जैसे कि ये है हमारे पास फॉर लूप. अब इस फॉर लूप में हमारे पास तीन स्टेटमेंट्स आती है, इनिशलाइजेशन, कंडीशन चेकिंग, इंक्रीमेंटेशन और डिक्रीमेंटेशन, और फिर है हमारी जो स्टेटमेंट हमें एग्जीक्यूट करनी है. अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले इस फॉर लूप में हमारे पास इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट. ये इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट होगी? ये सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होगी. तो ये जो इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट है ये लेगी आपके पास ऑर्डर ऑफ वन टाइम, क्योंकि ये सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होगी. नेक्स्ट है हमारे पास कंडीशन चेकिंग. अब ये कंडीशन चेकिंग कब से कब तक चलेगी? देखो, आई की वैल्यू हमारे पास इंक्रीज हो रही है हर बार. जब आई की वैल्यू 1 है हम कंडीशन चेक करेंगे, जब आई की वैल्यू 2 है तब भी हम कंडीशन चेक करेंगे, जब आई की वैल्यू 3 है तब भी हम कंडीशन चेक करेंगे, जब आई की वैल्यू n आएगी तब भी हम कंडीशन चेक करेंगे. तो इस केस में ये कंडीशन ट्रू रहेगी n माइनस 1 टाइम्स, लेकिन nth टाइम में कंडीशन फेल हो जाएगी. ये जो स्टेटमेंट है ये टोटल n टाइम्स एग्जीक्यूट होगी, n टाइम्स. अब ये वाली स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट होगी? जब आई की वैल्यू 1 थी हमने ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया और फिर इसके बाद हम लोग गए, तो इसने इसकी वैल्यू कर दी 2. फिर नेक्स्ट टाइम ये वैल्यू कर देगा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अप टू n. तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी टोटल n माइनस वन टाइम्स. क्यों? क्योंकि i की वैल्यू पहले 1 थी तो ये इसको 2 करेगा, 2 के बाद 3 करेगा, 3 के बाद 4 करेगा, यानी कि 2 से लेकर n तक, जब तक ये वैल्यू n ना कर दे. क्योंकि अगर ये वैल्यू n करेगा तो कंडीशन यहाँ से फॉल्स हो जाएगी. तो ये जो इंक्रीमेंटेशन स्टेटमेंट है ये टोटल आपकी n माइनस 1 टाइम्स एग्जीक्यूट होगी. उसके साथ साथ ये जो आपकी स्टेटमेंट है ये वाली, ये स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट होगी? ये होगी टोटल आपके पास n माइनस 1 टाइम्स. क्यों? क्योंकि nth टाइम पर ये जो वैल्यू है ये कंडीशन हमारा लूप फॉल्स हो जाएगा. तो टोटल कितनी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो रही है इस लूप के अंदर? देयर इज 1 प्लस n प्लस एन माइनस 1 प्लस एन माइनस 1. टोटल वैल्यू कितनी होगी? दिस इज 3n-1. तो अगर आप इसको एक फंक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो आप कह सकते हैं fn इज इक्वल टू 3n-1. और मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि इस फंक्शन को अगर हम एसिम्प्टोटिक नोटेशन में लिखेंगे तो यह आएगा ऑर्डर ऑफ n. तो इस वाले लूप की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज ऑर्डर ऑफ n. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. मैं बहुत ही ईजी तरीके से इन चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और अगर आपको समझ में आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा. नेक्स्ट है हमारे पास नेस्टेड लूप्स. अब इस केस में हमने एक लूप के अंदर दूसरा लूप लिया हुआ है. इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के दो तरीके हैं, यानी कि पहले आप बताइए कि बाहर वाला लूप कितना चलेगा, फिर अंदर वाला लूप कितना चलेगा, और बाहर वाले लूप की वजह से अंदर वाला लूप कितनी बार चलेगा. हम दोनों तरीके से इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को समझने की कोशिश करेंगे. अब ध्यान दीजिए, ये वाली जो स्टेटमेंट है अगर सिर्फ हमारे पास बाहर वाला लूप हो तो ये कितनी बार एग्जीक्यूट होगा? ये हमारे पास एक बार एग्जीक्यूट होगा. ये वाली स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट होगी इस बार? ये वाली स्टेटमेंट होगी हमारे पास n+1 टाइम्स. ऐसा क्यों? देखिए, पिछले केस में आई इज लेस देन एन, इस केस में आई इज लेस देन और इक्वल टू एन. तो यहाँ पर एन टाइम्स ये कंडीशन ट्रू रहेगी, लेकिन n+1th टाइम पर यह कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी. ये वाली जो स्टेटमेंट है ये कितनी बार एग्जीक्यूट होगी? ये जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होगी आपके पास n टाइम्स. पहले हमारे पास n-1 टाइम्स हुई थी बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन, लेकिन अब ये स्टेटमेंट आपके पास n टाइम्स एग्जीक्यूट होगी. तो लूप जो है ये बाहर वाला लूप चलेगा n टाइम्स, ठीक है, लेकिन अंदर वाली स्टेटमेंट्स को एक एक करके एनालाइज करते हैं, फिर हम लोग एक और तरीके से इसको एनालाइज करेंगे. दो तरीके से इस फंक्शन में एनालाइज करना बताऊंगा मैं आपको, पहले इजी तरीके से. अब ध्यान दीजिए, ये वाली जो स्टेटमेंट है ये कितनी बार एग्जीक्यूट होगी? ये होगी आपके पास n टाइम्स. ये n टाइम्स क्यों होगी? क्योंकि बाहर वाले लूप की वजह से. ये जो लूप है ये अंदर जो लूप है ये बाहर वाले लूप के अंदर है, और बाहर वाला लूप n टाइम्स एग्जीक्यूट होगा तो ये वाली n टाइम्स स्टेटमेंट चलेगी. ये वाली स्टेटमेंट कितनी बार चलेगी?
ये वाली चलेगी n इंटू एन प्लस वन टाइम्स। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो अगर हमारे पास बाहर वाला लूप नहीं होता, अगर बाहर वाला लूप नहीं होता तो ये अंदर वाला लूप जो है वो इस स्टेटमेंट को n प्लस वन टाइम्स एग्जीक्यूट करता, लेकिन बाहर वाले लूप की वजह से ये वाला लूप अपने आप को रिपीट करेगा हर बार, तो बाहर वाले लूप की वजह से ये n इंटू एन प्लस वन टाइम्स एग्जीक्यूट होगी। और ये जो स्टेटमेंट है ये कितनी बार एग्जीक्यूट होगी? ये होगी n इंटू एन टाइम्स। और ये स्टेटमेंट कितनी बार चलेगी? ये चलेगी n इंटू एन टाइम्स। तो टोटल आपके पास कितनी बार चलेगी फंक्शन के अंदर सभी स्टेटमेंट्स? 1 प्लस एन प्लस वन प्लस एन प्लस एन प्लस एन इंटू एन प्लस वन प्लस एन इंटू एन प्लस एन इंटू एन। तो इसको टोटल आप लिखेंगे तो ये बच जाएगा हमारे पास, और दिस इज 1 प्लस वन दैट इज 2 प्लस दिस इज एन प्लस एन प्लस एन दिस इज 3n प्लस ये बच जाएगा हमारे पास एन स्क्वायर प्लस एन प्लस ये बन जाएगा हमारे पास 2 इंटू एन स्क्वायर। तो कैलकुलेट करेंगे तो बनेगा हमारे पास 2 प्लस 4n प्लस 3n स्क्वायर। आप इसको फंक्शन fn से रिप्रेजेंट करेंगे तो जब इसके टाइम कॉम्प्लेक्स निकालेंगे दिस कैन बी टर्न एज ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर बिकॉज ऑफ द बिगेस्ट पावर। तो ये बन जाएगा हमारे पास ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। एक तरीका ये था इसको इवेल्युएट करने का। अब दूसरा तरीका क्या है? ये जो बाहर वाला लूप है इंडिविजुअली, ये बाहर वाला लूप कितनी बार चलेगा? ये बाहर वाला लूप चलेगा टोटल n टाइम्स, ये चलेगा n टाइम्स। और ये जो अंदर वाला लूप है ये इंडिविजुअली कितनी बार चलेगा? ये चलेगा n टाइम्स। लेकिन ये अंदर वाला जो लूप है ये बाहर वाले लूप की वजह से कितनी बार चलेगा? वो चलेगा n इंटू n टाइम्स। तो स्टेटमेंट टोटल आपके पास n इंटू n यानी कि n स्क्वायर टाइम्स ही एग्जीक्यूट होगी। तो ध्यान दीजिए इस तरह के किसी प्रोग्राम में जो स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा एक बार एग्जीक्यूट हो रही है वो डिसाइड कर रही है कि यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी। सबसे ज़्यादा जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी वो ये होगी, ये होगी और ये होगी, और तीनों जो स्टेटमेंट है ये ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर टाइम ही एग्जीक्यूट हो रही है। तो इस लूप की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है रफली दैट इज ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। अब इस केस में जब हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव स्टेटमेंट्स है यानी कि कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी हैं जो कि लूप के बाहर है। अब जो पहली स्टेटमेंट है ये आपके पास सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होगी, ये वाली स्टेटमेंट भी आपके पास एक बार एग्जीक्यूट होगी, ये वाली स्टेटमेंट आपके पास n प्लस वन टाइम्स एग्जीक्यूट होगी, ये वाली स्टेटमेंट n टाइम एग्जीक्यूट होगी और ये वाली स्टेटमेंट n टाइम्स एग्जीक्यूट होगी। लेकिन इस वाले केस में ये स्टेटमेंट एक बार होगी, ये वाली n प्लस वन टाइम्स होगी, ये वाली n टाइम्स एग्जीक्यूट होगी। इस वाले केस में ये वाली स्टेटमेंट n टाइम्स एग्जीक्यूट होगी बिकॉज ऑफ आउटर लूप, ये वाला लूप इस वाले लूप के अंदर है। ये वाली जो स्टेटमेंट है ये आपके पास n प्लस वन इंटू एन टाइम्स एग्जीक्यूट होगी, ये वाली जो स्टेटमेंट है ये आपके पास n इंटू एन टाइम्स एग्जीक्यूट होगी और ये वाली भी n इंटू एन टाइम्स एग्जीक्यूट होगी। अगर आप सबको ऐड करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास? ये बनेगा हमारे पास 1 प्लस 1 प्लस n प्लस 1 प्लस n प्लस n प्लस ये बनेगा हमारे पास 1 प्लस n प्लस 1 प्लस n प्लस n प्लस n इंटू एन प्लस वन प्लस ये बनेगा हमारे पास n स्क्वायर प्लस ये बनेगा हमारे पास n स्क्वायर। ऐड कीजिए सबको, बनेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 4 5 ये हो जाएगा हमारे पास 5 प्लस 1 2 3 4 5 6 फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 तो 7n प्लस आपके पास n स्क्वायर कहाँ से आएगा? एक बार n स्क्वायर इस मल्टीप्लिकेशन से आएगा, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर, तो बनेगा हमारे पास 3n स्क्वायर। अगर आप इस फंक्शन को fn से रिप्रेजेंट करते हैं तो ध्यान दीजिए इस केस में जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनेगी दैट इज ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। तो यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनेगी हमारे पास ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। तो इस तरीके से अभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट केस में हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट है, इफ एल्स। तो यहाँ पर इफ एल्स स्टेटमेंट में हमारे पास चॉइस है कि कई बार ये एग्जीक्यूट हो सकता है, कभी ये एग्जीक्यूट हो सकता है। जब भी हमारे पास इस तरह की इफ एल्स स्टेटमेंट हो सकती है तो वहाँ पर ध्यान दीजिएगा मिनिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और मैक्सिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में वेरिएशन आएगी। जैसे कि यहाँ पर अगर आप इसको मिनिमम चेक करेंगे मिनिमम कितनी बार एग्जीक्यूट होगा और मैक्सिमम कितनी बार एग्जीक्यूट होगा तो सेम रहेगा। यहाँ पर मिनिमम कितनी बार एग्जीक्यूट होगा और मैक्सिमम कितनी बार एग्जीक्यूट होगा वो भी सेम रहेगा। यहाँ पर मिनिमम कितनी बार एग्जीक्यूट होगा और मैक्सिमम कितनी बार एग्जीक्यूट होगा वो भी सेम रहेगा। तो इन तीनों केसेस में बिग ओ नोटेशन और बिग ओमेगा नोटेशन की वैल्यू सेम रहेगी। तो इन तीनों केसेस में हम थीटा नोटेशन दे सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है
वो लिख सकते हैं थीटा ऑफ एन, इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इसको भी लिख सकते हैं थीटा ऑफ एन स्क्वायर, इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इसको भी लिख सकते हैं थीटा ऑफ एन स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर इफ एल्स स्टेटमेंट है, इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या है कि अगर मैं पूछता हूँ ये प्रोग्राम कम से कम कितना एग्जीक्यूट होगा, कम से कम, तो कम से कम ये तब एग्जीक्यूट होगा जब ये वाली जो कंडीशन है वो ट्रू रहेगी, इफ लेंथ इज इक्वल टू जीरो। अब ध्यान दीजिए मैं लेंथ में इस लेंथ फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेजर नहीं कर रहा हूँ, एक सिंप्लिसिटी पर्पजेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इस लेंथ फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी वैसे आप मेजर करेंगे अपने केस में, पर जस्ट एज्यूमिंग, सिर्फ ये एजम्पशंस ले रहा हूँ कि लेंथ फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर ऑर्डर ऑफ वन है तो उस केस में ये जो इफ कंडीशन है, ये इफ कंडीशन ऑर्डर ऑफ वन टाइम में एग्जीक्यूट हो जाएगी, दैट इज ओमेगा ऑफ वन टाइम में ऑर्डर ऑफ वन में एग्जीक्यूट होगी इफ कंडीशन। और अगर कभी ये इफ कंडीशन ट्रू रही, पूरी ट्रू रही और ये रिटर्न फॉल्स किया, तो एल्स स्टेटमेंट में हम जाएंगे ही नहीं, तो मिनिमम टाइम जो फंक्शन लेगा वो लेगा ओमेगा ऑफ वन, तो मिनिमम टाइम पूरे फंक्शन का होगा ओमेगा ऑफ वन। तो यहाँ पर मिनिमम टाइम और मैक्सिमम टाइम दोनों वेरी करेंगे, तो इस केस में जब मैं ओमेगा की नोटेशन लूंगा और जब मैं इस केस में ऑर्डर की नोटेशन लूंगा तो दोनों में डिफरेंसेज आएंगे। तो यहाँ पर मिनिमम है ओमेगा ऑफ वन अगर लेंथ लेता है ऑर्डर ऑफ वन टाइम, बट जनरली केसेस में अगर आप लेंथ ऑफ ए वेरिएबल, लेंथ ऑफ एन अरे निकाल रहे हैं, लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग निकाल रहे हैं, तो लेंथ ऑफ अरे और स्ट्रिंग वो हमारे पास ऑर्डर ऑफ एन टाइम लेता है, बट वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, मैं आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहता। बट इतना अज्यूम कीजिए अगर लेंथ की वैल्यू, लेंथ हमारे पास ऑर्डर ऑफ वन ले रहा है और ये कंडीशन ट्रू होती है, तो ये पूरा जो फंक्शन है उसमें एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, तो पूरा जो प्रोग्राम है वो ओमेगा ऑफ वन टाइम देगा। लेकिन अगर आपके पास इफ कंडीशन फॉल्स होती है और एल्स को एग्जीक्यूट करते हैं, तो एल्स में आपके पास एक फॉर लूप है, एक फॉर लूप है और मैं लेंथ को ऑर्डर ऑफ वन मैंने एज्यूम किया हुआ है और ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है, तो ये फॉर लूप सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर पूरी इस तरह की एनालिसिस मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको पता है कि हमारे पास एक फॉर लूप है और वो टोटल एग्जीक्यूट होगा हमारे पास जीरो से लेकर एन तक, वो टोटल एग्जीक्यूट होगा जीरो से लेकर लेंथ तक या फिर जीरो से लेकर एन तक, तो इस केस में आप ऑर्डर ऑफ एन एज ए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ले सकते हैं। अगर लेंथ यहाँ पर कुछ बड़ी है, लेट अस से लेंथ की वैल्यू k है, तो कितना होगा ये ऑर्डर ऑफ k यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर n इक्वल टू जीरो से स्टार्ट हुआ और एक कंडीशन टू रहेगी, अगर लेंथ k है हमारे पास तो कंडीशन टू रहेगी k माइनस वन टाइम्स तक, तो जब n की वैल्यू k हो जाएगी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये जो फॉर लूप है ये ऑर्डर ऑफ k टाइम्स तक चलेगा अगर लेंथ की वैल्यू हमारे पास k है। ध्यान दीजिए मैंने यहाँ पर n क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पर i से हम मेजर कर रहे थे, i जो था वो n तक चल रहा था, लेकिन यहाँ पर जो चल रहा है वो लेंथ तक चल रहा है और लेंथ की वैल्यू मैंने k एज्यूम की है, ठीक है। तो उस पूरे केस में अगर मैं बिगेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि इसकी वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहेंगे तो वो ऑर्डर ऑफ k होगी, अगर इसकी बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहेंगे वो होगी ओमेगा ऑफ वन। तो यहाँ पर वर्स्ट केस और बेस्ट केस सेम नहीं है, तो इसी वजह से यहाँ पर हम इस तरह की थीटा नोटेशंस नहीं देंगे। अब आपको शायद समझ में आया होगा कि थीटा नोटेशन का, ओमेगा नोटेशन का और ऑर्डर नोटेशन के बीच में डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब देखो लॉगरिथम में आप ये बता सकते हो कि फंक्शन कितनी बार चलेगा, अगर आप ये बता पाओगे तो आपको समझ आएगा कि इसकी लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्यों है। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, देखो एन की सबसे पहली जो आई की सबसे पहली वैल्यू है हमारे पास एन, तो एक कंडीशन स्टेटमेंट एक बार चली और ये जो कंडीशन है ये पहली बार ट्रू हो गई, पहली बार ट्रू हुई बिकॉज एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, तो हम यहाँ पर आएंगे और आई की वैल्यू को हाफ कर देंगे, तो आई की अगली वैल्यू कितनी बनेगी हमारे पास, आई की नेक्स्ट वैल्यू बन जाएगी एन बाई टू। अब ध्यान दो हमेशा लूप के एग्जीक्यूशन कैसा होता है, पहले इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन चेकिंग, फिर स्टेटमेंट, फिर इंक्रीमेंटेशन डिक्रीमेंटेशन और फिर दोबारा से कंडीशन चेकिंग। तो किसी फॉर लूप के अंदर ये ज़रूरी नहीं है कि आप कोई स्टेटमेंट लिखो, जैसे यहाँ पर तीन केसेज है तो तीनों स्टेटमेंट लिखने ज़रूरी नहीं है, इसमें से कोई भी एक स्टेटमेंट, दो या तीनों स्टेटमेंट आप मिस कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास हैं, यहाँ पर जो वैल्यू, यहाँ पर जो आई की नेक्स्ट वैल्यू है वो बन जाएगी हमारे पास n बाई टू। अब चेक करेंगे क्या n बाई टू वन से ग्रेटर है कि नहीं है, अगर ये ग्रेटर है तो हम दोबारा से स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे, तो स्टेटमेंट अब दूसरी, पहली बार यहाँ पर एग्जीक्यूट हुई, दूसरी बार अब यहाँ पर एग्जीक्यूट हुई, तो इस केस में अब i की नेक्स्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो बन जाएगी हमारे पास n बाय टू स्क्वायर, i की अगली वैल्यू बन जाएगी n बाय टू स्क्वायर, तब ये स्टेटमेंट फिर से कंडीशन चेक करेगी और देखिए कि कंडीशन ट्रू है कि नहीं है। नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू नेक्स्ट वैल्यू क्या बन जाएगी, दैट बनेगी हमारे पास एन बाय टू क्यूब, फिर से हम जाएंगे कंडीशन को चेक करेंगे, फिर आई की नेक्स्ट वैल्यू बनेगी हमारे पास एन बाय टू रेस्ट टू पावर फोर, फिर से हम जाएंगे कंडीशन को चेक करेंगे, फिर आई की नेक्स्ट वैल्यू बनेगी हमारे पास एन बाय टू रेस्ट टू पावर फाइव, फिर से हम ऊपर जाएंगे और कंडीशन को चेक करेंगे।
इस तरीके से जब आप इन कंडीशंस को चेक करते जाएंगे तो सबसे लास्ट में आई की जो वैल्यू है, आई की जो सबसे लास्ट वैल्यू है वो कितनी बनेगी, अगर आप इस स्टेटमेंट को के टाइम्स तक एग्जीक्यूट कर चुके हैं, लेट अस से अगर ये लूप को आपने के टाइम्स तक रन किया तो आई की लास्ट वैल्यू क्या बनेगी, एन अपॉन टू रेस्ट टू पावर के। देखिए एन अपॉन टू रेस्ट टू पावर जीरो, एन अपॉन टू रेस्ट पावर वन, एन अपॉन टू रेस्ट पावर टू, एन अपॉन टू रेस्ट पावर थ्री, एन अपॉन टू रेस्ट पावर फोर, एन अपॉन टू रेस्ट पावर फाइव, अप टू सो ऑन एन अपॉन टू रेस्ट पावर के। अब ये लूप फेल कब होगा, ये लूप फेल तब होगा जब आई की वैल्यू जीरो बन जाएगी, यानी कि जब ये वाली जो वैल्यू है ये आपकी जीरो बन जाएगी, उस केस में लूप फेल हो जाएगा। अब ये वैल्यू जीरो कब बनेगी, देखो ध्यान दो, अगर मैं लिखता हूँ इंटीजर आई इज इक्वल टू फाइव डिवाइड बाई सिक्स, इंटीजर आई इज इक्वल टू फाइव डिवाइड बाई सिक्स, तो ये वैल्यू क्या बनती है हमारे पास, दिस वैल्यू इज जीरो। उसी तरीके से यहाँ पर जो वेरिएबल आई है ये वैल्यू हमारे पास जीरो तब बनेगी व्हेन व्हेन टू रेज टू पावर के इज ग्रेटर देन एन, उस केस में ये वाली वैल्यू आपकी जीरो बन जाएगी। समझ में आया, अगर टू रेज टू पावर के की वैल्यू एन से बड़ी हो जाएगी तो स्टेटमेंट आपकी जीरो बन जाएगी। और लूप तब तक कब तक, ये लूप कितनी बार चल चुका है, तब से यहाँ तक से लेकर यहाँ तक, ये लूप टू रेस्ट पावर जीरो से लेकर एन अपॉन टू रेस्ट पावर के माइनस वन तक चल चुका है, और तब तक ये लूप के टाइम से एग्जीक्यूट हो चुका है। अगर आप इस के की वैल्यू बता सकते हो तो आप बता सकते हो कि लूप कितना चलेगा। ध्यान दीजिएगा, समझ में नहीं आया तो मैं फिर से इस तरह के एग्जाम्पल्स लूँगा, काफ़ी सारे लूँगा, तो समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तब भी ठीक है, लेकिन आप अभी समझने की कोशिश कीजिए। व्हेन टू रेस्ट पावर के इज ग्रेटर देन एन, तो यहाँ पर k की वैल्यू क्या होगी, k की वैल्यू के लिए आप इस स्टेटमेंट को सॉल्व कीजिए, टेक लॉगरिथम ऑन बोथ द साइड्स, तो ये बनेगा हमारे पास log 2 रेज टू पावर k शुड बी ग्रेटर देन log n। अगर जो लॉगरिथम हमने लिया है दोनों साइड पर उसका अगर हम बेस 2 एज्यूम करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, k यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा k log 2 बेस 2 शुड बी ग्रेटर देन log n बेस 2, और log 2 बेस 2 यानी कि जो लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी है log k विद बेस k, ये लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है हमारे पास 1, तो वैल्यू हो जाएगी k शुड बी ग्रेटर देन log n, k शुड बी ग्रेटर देन log n बेस 2, यानी कि ये जो लूप है ये k टाइम चलेगा और k की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास log n। तो ये जो एंटायर लूप है इस केस में, ये लूप यहाँ पर n टाइम्स एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, ये लूप यहाँ पर सिर्फ log n टाइम्स ही एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर ये लूप मैक्सिमम लॉग एन टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है तो इस लूप की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बनेगी ऑर्डर ऑफ लॉग एन, ऑर्डर ऑफ लॉग एन, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, करेक्ट। आई होप आपको थोड़ा सा इसमें पता चला होगा कि हम प्रोग्राम्स में कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, लेकिन मैं क्या करूँगा, अभी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स लेने वाला हूँ मैं, इतने सारे मैं एग्जाम्पल्स लूँगा कि आपके दिमाग में कोई डाउट बचेगा ही नहीं। अब मैं क्या करूँगा, इससे लेने से पहले कुछ ऐसे फॉर्मूलेज मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ ऐसे सीक्वेंसेज मैं आपको बता रहा हूँ जिसको आप नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, अगर आपको आते हैं तो बहुत अच्छा है, वेल एंड गुड, आप कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं आते, काफ़ी बच्चे हैं जो जिनको नहीं आते, क्यों नहीं आते, क्योंकि उन्होंने वो 10th 11th 12th क्लास में पढ़े थे, और बीटेक करने के बाद या फिर एमएससी या मास्टर्स डिग्री करने के बाद आपको बहुत गैप हो जाता है, तो ऐसे फॉर्म ऐसे सीक्वेंसेस फॉर्मूलेज हमें याद होने चाहिए। इट टेक्स हार्डली 2 मिनट्स टू राइट ऑल ऑफ देम डाउन, मुझे पता है कि आपको पता होंगे, बस एक थोड़ा सा रिवीजन पर्पसेस के लिए मैं आपको सबमिशन फॉर्मूलेज पहले आगे लिखवा देता हूं, जो सीक्वेंसेस के फॉर्मूलेज हैं, और फिर जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सभी फॉर्मूले हमारे काम में आने वाले हैं। मैं इसको रब करता हूं, मैं फिर से आपको मिलता हूं वापस। अब यहाँ पर मैंने कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ एसिम्प्टोटिक नोटेशंस ली हैं, तो प्रॉपर्टीज में जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं ट्रांजिटिविटी, रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिविटी, सिमेट्री एंड ट्रांसपोज सिमेट्री, और उसके अलावा हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज और हैं, तो पहले इन प्रॉपर्टीज को मैं स्पेसिफाई करता हूँ ताकि उसके बाद मैं कुछ आपको सबमिशंस वाले फॉर्मुलेज और कुछ लॉगरिथमिक वाले जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी मैं आपको दे सकूँ। सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी क्या बोलती है, If fn is theta of gn and gn is theta of hn, then I can say fn is theta of hn. For example, अगर मैं बोलता हूँ मेरे पास एक फंक्शन fn है जो है हमारे पास order of n square, एक फंक्शन मेरे पास gn है जो है हमारे पास order of n cube, और एक फंक्शन hn है जो है हमारे पास order of n raised to power 4. तो इस केस में कह सकता हूँ fn is order of gn and gn is order of hn, therefore I can say fn is order of hn.
तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी, और जो ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी है वो हमारे पास एसिम्प्टोटिक नोटेशन पर वैलिड है, चाहे वो ऑर्डर नोटेशन हो या फिर वो ओमेगा नोटेशन हो या फिर वो थीटा नोटेशन हो, तीनों केस में ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी वैलिड है। देखिए जो भी प्रॉपर्टीज और जो भी कॉन्सेप्ट्स मैं आपको समझा रहा हूँ, तो सबसे एक ये चीज़ ज़रूरी है आपके लिए कि आप पॉज करें वीडियो को और उसको लिखते रहिए, जितना आप लिखते रहेंगे उतने आपके दिमाग में माइंड में वो रिटेन होता रहेगा। अगर आप वीडियो को सिर्फ देखते रहेंगे तो जो पहले मैं पढ़ा चुका हूँ वीडियो की स्टार्टिंग में, वो चीज़ें आप वीडियो के मिड तक आते आते आप उसको भूल जाएंगे। तो हर चीज़ लिखें ताकि आपको पेजेस पलट के रिवाइज करने में आसानी हो, और बाद में भी इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने में आपको बहुत ज़्यादा इजीनेस या फिर बहुत ज़्यादा आसानी आपको हो जाए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर हमारे पास एफ एन इज थीटा ऑफ एफ एन, यानी कि कोई फंक्शन है वो खुद का थीटा नोटेशन और उसके ऊपर खुद से ही ऑर्डर और ओमेगा नोटेशन भी वैलिड है। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ एक फंक्शन है मेरे पास एफ एन इज इक्वल टू 10n² + 10n + 100, इस केस में आई कैन से एफ एन इज ऑल्सो ऑर्डर ऑफ एफ एन, एंड इसी केस में आई कैन से एफ एन इज ऑल्सो ओमेगा ऑफ एफ एन, इस केस में आई कैन से एफ एन इज ऑल्सो थीटा ऑफ एफ एन। तो तीनों नोटेशन है ये फंक्शन खुद के साथ ही तीनों नोटेशन फंक्शन की वैलिड है। तो इसी वजह से जो रिफ्लेक्सिविटी प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर अप्लाई होती है, और रिफ्लेक्सिविटी प्रॉपर्टी यहाँ पर लगती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास सिमेट्री। तो सिमेट्री प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर हम बोलते हैं एफ एन इज थीटा ऑफ जी एन, देयरफॉर वी कैन ऑल्सो से जी एन इज थीटा ऑफ एफ एन, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है इट इज नॉट वैलिड, ध्यान देना, इट इज नॉट वैलिड फॉर ऑर्डर एंड ओमेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान जरूर दें, क्योंकि ऑर्डर और ओमेगा के केस में हम लोग देखते हैं कि अपर बाउंड। तो अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ एफ एन इज ऑर्डर ऑफ जी एन बट जी एन इज नॉट ऑर्डर ऑफ एफ एन, इस केस में एफ एन इज ऑर्डर ऑफ जी एन बट जी एन इज नॉट ऑर्डर ऑफ एफ एन, तो यहाँ पर ये जो अपर बाउंड के केस में ये सिमेट्री प्रॉपर्टी है लगती नहीं है। उसी तरीके से ओमेगा के केस में भी सिमेट्री प्रॉपर्टी नहीं लगती है, सिमेट्री प्रॉपर्टी सिर्फ थीटा नोटेशन पे ही वैलिड है। और थीटा नोटेशन में किस तरीके से वैलिड है, इफ एंड ओनली इफ, यानी कि अगर एफ एन इज थीटा ऑफ जी एन तो उसी तरीके से हम कह सकते हैं इफ एंड ओनली इफ जी एन इज ऑल्सो थीटा ऑफ एफ एन, अगर थीटा नोटेशन वैलिड है तो वो बोथ द साइड्स भी ही वैलिड होगा हमेशा। तो जो सिमेट्री प्रॉपर्टी है वो थीटा नोटेशन पर वैलिड होती है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसपोज सिमेट्री। ट्रांसपोज सिमेट्री, तो ट्रांसपोज सिमेट्री क्या बोलता है कि अगर हमारे पास एफ एन इज ऑर्डर ऑफ जी एन, देयरफॉर वी कैन से जी एन इज ओमेगा ऑफ एफ एन, तो इट इज वैलिड इफ एंड ओनली इफ जी एन इज ओमेगा ऑफ एफ एन। तो ट्रांसपोज सिमेट्री जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास ऑर्डर और ओमेगा के बीच में लगती है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ एफ एन इज ओमेगा ऑफ जी एन, देयरफॉर जी एन इज ऑर्डर ऑफ एफ एन, तो इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं ट्रांसपोज सिमेट्री प्रॉपर्टी को। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इफ एफ एस इज इन के इंटू जी एन, इन ऑर्डर ऑफ के इंटू जी एन फॉर एनी कॉन्स्टेंट के, देयरफॉर आई कैन से एफ एन इज ऑर्डर ऑफ जी एन। कहने का मतलब क्या है, देखो अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि एफ एन जो है वो है हमारे पास 10n² + 100n + 1000 एंड जी एन है हमारे पास एन क्यूब, तो इस केस एन क्यूब के साथ इफ़ यू हैव वन कॉन्स्टेंट विच इज़ मल्टीप्लाई, लेट अस से इट इज़ 100, यानी कि जी एन है हमारे पास 100n³, तो इस केस में हम कह सकते हैं दैट एफ एन इज ऑर्डर ऑफ जी एन, राइट। और हम इस कॉन्स्टेंट को हम इग्नोर कर सकते हैं यहाँ से, ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो कॉन्स्टेंट है इसको हम सी की तरह से ट्रीट कर सकते हैं, और ये जो कॉन्स्टेंट है इसको इंडिविजुअली हम कह सकते हैं इट इज़ इक्वल टू ऑर्डर ऑफ वन, तो इट इज़ ऑर्डर ऑफ वन इंटू ऑर्डर ऑफ एन क्यूब विच इज़ ऑल्सो विच इज़ ऑर्डर ऑफ जी एन। तो यहाँ पर जी एन ऑर्डर ऑफ जी एन मतलब ये है हमारे पास ऑर्डर ऑफ 100 इंटू एन क्यूब, तो एफ एन इज ऑर्डर ऑफ 100 इंटू एन क्यूब, इसमें 100 जो कॉन्स्टेंट है इसको इग्नोर कर सकते हैं तो बोल जाएगा ऑर्डर ऑफ एन क्यूब, तो एफ एन इज ऑर्डर ऑफ एन क्यूब, तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर वैलिड है। अब जो नेक्स्ट केस है, ये दोनों जो 6 और 7 जो केस है ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस केस को आप ज़रूर नोट कीजिएगा। 6th प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि एफ वन एन इज ऑर्डर ऑफ जी वन एन एंड एफ टू एन इज ऑर्डर ऑफ जी टू एन, यानी कि आपके पास दो फंक्शन हैं। देखो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अगर मैं लिखता हूँ एफ वन एन इज ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर एंड एफ टू एन इज ऑर्डर ऑफ एन क्यूब, अगर मैं दोनों को ऐड करता हूँ तो कैसा होगा, अगर हम कैलकुलेट करेंगे एफ वन एन प्लस एफ टू एन
इट इज नॉट इक्वल टू, एक्चुअली इसको आप ऐसा कह सकते हैं, अगर आप दोनों को ऐड करेंगे तो बोलेंगे इट इज इक्वल टू मैक्सिमम फ्रॉम एन स्क्वायर एंड एन क्यूब, इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा ये उसका ऑर्डर होगा. जैसे कि इन दोनों मैक्सिमम कितना हमारे पास एन क्यूब, तो एफ वन एन प्लस एफ टू एन इज ऑर्डर ऑफ एन क्यूब. इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं, देखिए देखिए अगर हमारे पास इस तरीके से है, लेट अस से एफ वन एन इज एन स्क्वायर, राइट राइट, तो एफ वन एन प्लस एफ टू एन कैन बी रिटन एज एन स्क्वायर प्लस एन क्यूब. ठीक है, तो इन दोनों में से जो भी बड़ा आएगा वो ही हमारे पास वैलिड होगा. इसके आप कुछ भी फंक्शन कुछ वैल्यू ले लीजिए, इस तरीके से आप कुछ वैल्यू ले लीजिए, आप देखेंगे इस तरह की इक्वेशन ही बनेगी. आप एफ वन की कुछ इक्वेशन बनाइए, एफ टू की कुछ इक्वेशन बनाइए, आप चेक करेंगे इस तरह की ही इक्वेशन बनेगी, और जो सबसे बड़ी पावर है वही हमारे पास ऑर्डर नोटेशन यहाँ पर देगी. अब जो सबसे लास्ट प्रॉपर्टी है यहाँ पर, प्रॉपर्टी नंबर सेवन, विच इज मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी नंबर सेवन क्या बोलती है कि इफ एफ वन एन इज ऑर्डर ऑफ जी वन एन एंड एफ टू एन इज इन ऑर्डर ऑफ जी टू एन, अगर हम दोनों का मल्टीप्लीकेशन लेते हैं दैट इज एफ वन एन मल्टीप्लाइड बाई एफ टू एन, तो ये होगा हमारे पास जी वन एन मल्टीप्लाइड बाई जी टू एन. जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एफ वन एन इज एन स्क्वायर एंड एफ टू एन इज एन क्यूब, तो इस केस में क्या होगा हमारे पास एफ वन एन मल्टीप्लाइड बाई एफ टू एन देन इट इज इक्वल टू एन स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एन क्यूब, तो ये होगा हमारे पास ऑर्डर ऑफ एन रेज टू पावर फाइव. ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी नंबर सेवन है, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज किस फंक्शन के लिए वैलिड है, किस केस में कौन सी प्रॉपर्टीज वैलिड है, किस आई मीन फॉर किस नोटेशन के लिए कौन सी प्रॉपर्टी वैलिड है और किस नोटेशन के लिए कौन सी प्रॉपर्टी वैलिड नहीं है. ठीक है, अब ये जो प्रॉपर्टी मैंने लिखी है यहाँ पर सेवंथ नंबर पर, ये जो प्रॉपर्टी है मैंने ध्यान दीजिएगा ऑर्डर नोटेशन के लिए लिखी है. प्रॉपर्टी नंबर सिक्स भी मैंने ऑर्डर नोटेशन के लिए लिखी है और प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ भी मैंने ऑर्डर नोटेशन के लिए लिखी है. अब जो प्रॉपर्टी नंबर सिक्स है वो ओमेगा नोटेशन के लिए शायद वैलिड हो या ना हो, क्योंकि ओमेगा नोटेशन में हम यहाँ पर मिनिमम लेंगे. ठीक है, तो मिनिमम ऑफ जी वन एन एंड जी टू एन, उसी तरीके से जो प्रॉपर्टी नंबर सेवन्थ है वो भी हमें ओमेगा नोटेशन के लिए चेक करना होगा कि ओमेगा नोटेशन में वैलिड है कि नहीं, क्योंकि वो हमारे प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट के ऊपर भी डिपेंडेंट है. तो ये प्रॉपर्टीज आपने लिख लीजिए. अब मैं इसको रब करता हूँ, मैं आपके लिए कुछ फॉर्मूलाज लिखता हूँ जो फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए किसी भी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले. ठीक है, अब इस केस में कुछ फॉर्मूलेज हैं, जैसे कि लॉगरिथमिक की कुछ प्रॉपर्टीज हैं और कुछ सीरीज की प्रॉपर्टीज हैं. काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ इश्यूज होते हैं कि उनको लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टीज़ नहीं पता होती. जैसे कि जब मैं क्लासरूम प्रोग्राम में पढ़ाता हूँ तो क्लासरूम प्रोग्राम में जब भी मैं इस तरह के कुछ फॉर्मूलेज लिखता हूँ तो ये चीज़ें फेस करने को ज़रूर मिलती हैं कि स्टूडेंट्स को जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में नहीं पता होता. जैसे कि सबसे कॉमन प्रॉपर्टी है, अगर आप लॉग एक्स डिवाइड बाई वाई लिखेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, तो फिर वो उसके प्रूफ के बारे में हमेशा पूछते हैं. तो मुझे यहाँ पर प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें प्रूफ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि आपको ये प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए. आपको ये लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टीज़ पता होना चाहिए, उसी तरीके से सीरीज़ की प्रॉपर्टीज़ पता होना चाहिए. अगर आपको ये प्रॉपर्टीज़ पता है तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको आसानी होगी और ये समझने में आसानी होगी किस फंक्शन की क्या बिगो नोटेशन किस तरीके से निकालते हैं और वो कैसे सॉल्यूशंस उसके होंगे. तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ है, मैं इन प्रॉपर्टीज़ को रीड आउट करता हूँ, आप इनको अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट कर लीजिएगा. जहाँ पर अगर मुझे लगता है कि किसी चीज़ की ज़रूरत है, किसी तरह की एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, तो मैं वहाँ पर दूंगा. अदरवाइज़ मैं इन सभी मोस्टली प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर रीड आउट करने वाला हूँ. तो यहाँ पर जो गिवन है, पहले अगर आप लिखेंगे log ऑफ x रेज टू पावर y, इसको आप लिख सकते हैं y इंटू log x. जैसे कि प्रीवियस केस में पिछले क्वेश्चन में मैंने ये किया था, अगर आपके पास इस तरीके से कुछ फंक्शन है जैसे कि log 2 रेज टू पावर n, तो आप इसको लिख सकते हो n इंटू log 2, तो ये यहाँ पर वैलिड है. दूसरा, अगर आपके पास हो log ऑफ x मल्टीप्लाइड बाई वाई, तो आप इसको लिख सकते हैं log x प्लस log y, तो मल्टीप्लीकेशन है केस में ये प्लस ऑपरेटर वैलिड है. नेक्स्ट, अगर मैं लिखता हूँ log ऑफ log n, जैसे कि मैंने बताया log ऑफ log n इज नॉट इक्वल टू log स्क्वायर n, तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं. तो log ऑफ log n होता है कि एक log n को निकालो और उसके ऊपर दोबारा से logarithm आप लगा दो. नेक्स्ट है हमारे पास a raised to power log x space b, तो यहाँ पर अगर इस तरह की कोई प्रॉपर्टी है तो आप इसको चेंज कर ऐसा कर सकते हैं x raised to power log a base b, तो ये चीज़ भी यहाँ पर वैलिड है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास
log n is equal to log n upon base 10. जैसे कि मैथमेटिक्स में जनरली होता है कि अगर हमने सिर्फ log n लिखा और उसका बेस नहीं लिखा तो वो बेस बाय डिफॉल्ट मैथमेटिक्स में 10 होता है, लेकिन यहाँ पर जब हम एसिम्प्टोटिक नोटेशन देंगे तो वहाँ पर शायद ये केस वैलिड ना हो, लेकिन मैथमेटिक्स में वैलिड है, ध्यान दीजिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। अगर मैं कहीं पर लिखता हूँ log n इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ फंक्शन, तो इसका बेस हम जनरली स्पेसिफाई नहीं करते क्योंकि वो कॉन्स्टेंट वैल्यू है, तो वो ऐसा भी हो सकता है log n base 2 भी हो सकता है, वो log n base 3 भी हो सकता है, लेकिन मैथमेटिक्स में अगर मैं लिखता हूँ log n और उसमें मैंने बेस स्पेसिफाई नहीं किया तो मैथमेटिक्स में होता है वो log n base 10, लेकिन जब हम एसिम्प्टोटिक नोटेशंस निकालेंगे तो वहाँ पर वो log n अगर मैं लिखूंगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि log n base 10 है, वो log n base 2 भी हो सकता है, log n base 3 भी हो सकता है, या फिर log n बेस विथ सम कॉन्स्टेंट वैल्यू वो भी हो सकता है, क्योंकि हम एसिम्प्टोटिक नोटेशंस में इन कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ को इग्नोर करने वाले हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास लॉग रेस्ट पावर के एन, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग एन होल रेस्ट पावर के, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लॉग ऑफ एक्स डिवाइड बाई वाई, अगर आपके पास एक्स डिवाइड बाई वाई हो तो इसको लिख सकते हैं लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास लॉग एक्स विद बेस बी, अगर बेस बी है तो आप इन दोनों को, इन दोनों के लिए आप दूसरा कोई और बेस भी एज्यूम कर सकते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं log x विद बेस a डिवाइड बाय log b विद बेस a, तो ये इसके इक्वल होता है, ये एक इंपॉर्टेंट लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी है। अब हमारे पास अलग अलग तरह की सीरीज आएंगी, जैसे कि हमारे पास एक अर्थमेटिक सीरीज है, ज्योमेट्रिक सीरीज है, हारमोनिक सीरीज है, तो ये तीनों सीरीज आपको पता होना चाहिए। अर्थमेटिक सीरीज जैसे कि हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, सो ऑन एन, तो ये जो सीरीज है 1+2+3+n, ये होगी हमारे पास अर्थमेटिक सीरीज। जब आप इन सभी नंबर्स का सम करेंगे दैट इज 1 से लेकर n तक, तो एक इक्वल होता है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ध्यान दीजिएगा n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, स्टूडेंट्स इसको कन्फ्यूज करते हैं n इंटू एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2। अब ये n इंटू एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2 किस केस में वैलिड है, अगर आपके पास सम इस तरीके से है 1+2+3+4 up to so on n-1, अगर 1 से लेकर आप n-1 तक ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर जो फॉर्मूला वैलिड होगा वो होगा n इंटू एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2, लेकिन अगर आप 1 से लेकर n तक ऐड कर रहे हैं तो फॉर्मूला जो वैलिड होगा वो होगा n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ये किस तरीके से, देखो अगर इस पूरी सीरीज में आप प्लस n ऐड करेंगे तो इसको आपको इस तरफ भी प्लस n ऐड करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा हमारे पास n इंटू एन माइनस 1 प्लस 2n डिवाइड बाई 2, जिसको आप लिख सकते हैं n square plus n divided by 2, which is again n into n plus 1 divided by 2. तो इस पूरी सीरीज में अगर 1 से लेकर n minus 1 तक है तो फॉर्मूला होगा n into n minus 1 divided by 2, लेकिन अगर सीरीज हमारे पास 1 से लेकर n तक तो फॉर्मूला जो वैलिड है वो होगा हमारे पास n into n plus 1 divided by 2. तो अर्थमेटिक सीरीज के लिए फॉर्मूला इस तरीके से वैलिड है। नेक्स्ट है हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज, ज्योमेट्रिक सीरीज यहाँ पर हमारे पास कुछ कॉन्स्टेंट रेशो होता है और उसकी पावर्स होती है, जैसे कि इस केस में ज्योमेट्रिक सीरीज में हमारा रेशो है 1+x+x² up to so on x raised to power n। अगर आपके पास इस तरह की कोई ज्योमेट्रिक सीरीज है तो इसके लिए जो फॉर्मूला वैलिड है वो है x raised to power n+1-1 divided by x-1, ठीक है। तो इस केस में x इज नॉट इक्वल टू 1, ध्यान दीजिएगा इसमें दो केसेस हमारे पास आते हैं, पहला केस है वेन x इज ग्रेटर देन 1, दूसरा केस है व्हेन x इज लेस देन 1, तो ये दोनों केसेस में ये जो फॉर्मूला है ये डिफरेंशिएट होगा। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ x इज ग्रेटर देन 1, अगर x हमारा 1 से बड़ा है तो ये फॉर्मूला कौन सा वैलिड होगा, ये वाला। अगर इस x की वैल्यू 1 से छोटा है तो 1 से कम है तो फॉर्मूला वैलिड क्या होगा, 1-x raised to power n+1 divided by 1-x। ये फॉर्मूला कब वैलिड होगा, जब x की वैल्यू जो है वो 1 से छोटी है, और ये वाला फॉर्मूला कब वैलिड होगा, जब x की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास हार्मोनिक सीरीज, तो हार्मोनिक सीरीज कौन सी होती है, इट इज़ 1 divided by 1 upon all the terms ऑफ अर्थमेटिक सीरीज, जैसे कि यहाँ पर 1+2+3 है, यहाँ पर होगा 1+1/2+1/3+1/4 up to so on 1/n। जब आप इस सभी टर्म्स का एडिशन आप करेंगे तो जो सभी टर्म्स का एडिशन है ये आपके log n के इक्वल आएगा, तो जो हार्मोनिक सीरीज के एडिशंस हैं वो कॉन्ग्रुएंट है। देखो ध्यान दीजिएगा, मैंने इक्वल साइन नहीं लिया, यहाँ पर मैंने इक्वल साइन लिया था, यहाँ पर मैंने इक्वल साइन लिया था, लेकिन ये इक्वल साइन नहीं है, एक तरह से कॉन्ग्रुएंट जैसा साइन है। इस साइन का मतलब क्या है कि ये log n के पास है, ये log n के पास है, इट इज़ वेरी क्लोज टू log n, इट माइट नॉट बी इक्वल टू log n बट इट इज़ वेरी क्लोज टू log n, ठीक है। और
इसी तरीके से आप ये फॉर्मूले भी देख सकते हैं, जैसे कि अगर हमारे पास लॉग के को हम एन टाइम से ऐड करेंगे, इसका मतलब क्या है कि लॉग के को हम एन टाइम से ऐड कर रहे हैं, अगर लॉग के को आप एन टाइम से ऐड करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हमारे पास एन इंटू लॉग एन। देखिए अगर आप इस टर्म को एक्सपेंड करते हैं, ध्यान दीजिएगा इस टर्म को एक्सपेंड करते हैं तो टर्म क्या बनेगी हमारे पास, लॉग वन प्लस लॉग टू प्लस लॉग थ्री प्लस अप टू सो ऑन लॉग एन। अगर आप इस टर्म को एन टाइम्स एक्सपेंड करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास एन इंटू लॉग एन, तो एन इंटू लॉग एन के कॉन्ग्रेंट है। ध्यान दीजिए अगेन यहाँ पर मैंने कॉन्ग्रेंट वर्ड का यूज़ किया है, यहाँ पर मैंने इक्वल टू वर्ड का यूज़ नहीं किया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर हमारे पास है के इज इक्वल टू वन टू एन, तो एक्स रेस्ट पावर पी, मतलब सीरीज है हमारे पास वन रेस्ट पावर पी, टू रेस्ट पावर पी, थ्री रेस्ट पावर पी, अप टू सो ऑन एन रेस्ट पावर पी, तो इस केस में फॉर्मूला वैलिड होगा एन रेस्ट पावर पी प्लस वन डिवाइड बाई पी प्लस वन। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये आपको पता होना चाहिए, अगर आपको इस सीरीज के फॉर्मूले जो ज्योमेट्रिक फॉर्मूलेस पता है तो अब हम इस पॉइंट से आगे बढ़ सकते हैं। अब इस पॉइंट से आगे बढ़ने के लिए अब हमें दो तरह के फंक्शंस होंगे जिनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है, पहले फंक्शन जो कि हमारे पास नॉन रिकर्सिव है, दूसरे फंक्शन जो कि रिकर्सिव है। मैं इस बोर्ड को रब करता हूँ फिर मैं आपके पास दोबारा से वापस आता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर प्रोग्राम्स को ले रहा हूँ एक एक करके ताकि समझ सके कि इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप कैसे निकालते हैं, इनके लिए बिगो नोटेशन आप कैसे निकालेंगे, और इनके लिए जो हमारे पास दूसरे नोटेशन है ऑर्डर नोटेशन, ओमेगा नोटेशन कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास फंक्शन है फंक्शन इंट एन, इंटीजर आई इज इक्वल टू वन, एस इज इक्वल टू वन, वाइल एस इज लेस देन इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस एस इज इक्वल टू एस प्लस वन, प्रिंट एफ प्रिंटिंग स्टार। अब देखिए इन फंक्शंस में आपको पता होना चाहिए कि वाइल लूप कैसे काम करता है, फॉर लूप कैसे काम करता है। आप ये ट्रेस कर पाए कि वाइल लूप कितनी बार रन होगा तो आप बता पाएंगे कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। अब देखो ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमारे पास एक वेरिएबल है आई, आई की वैल्यू है हमारे पास वन, एक वेरिएबल है एस, एस की वैल्यू है हमारे पास वन, और हमने एक इंटीजर इनपुट वैल्यू दी है एन। अब मैं एस की वैल्यूज को निकालता रहूंगा और देखता रहूंगा कि एस कैसे इंक्रीमेंट हो रहा है, क्यों, क्योंकि जो वाइल लूप है वो एस के ऊपर डिपेंडेंट है, वो लूप तब तक चलेगा जब तक एस की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू एन है। जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर एस की वैल्यू एन से बड़ी हो जाएगी तो ये लूप हमारे पास फेल हो जाएगा, ठीक है। तो इनिशियली एस की वैल्यू हमारे पास वन, इनिशियली एस की वैल्यू हमारे पास वन, तो क्या होगा, कंडीशन ट्रू, हम जाएंगे एस की वैल्यू जब वन थी हम जाएंगे आई प्लस प्लस, तो आई की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास टू, एस इज इक्वल टू एस प्लस आई, यानी कि एस की वैल्यू हो जाएगी वन प्लस टू विच इज इक्वल टू थ्री, तो एस की नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी हमारे पास थ्री। हमने प्रिंट किया, फिर से ऊपर जाएंगे कंडीशन को चेक करेंगे, क्या थ्री एन से कम है, यस। हम करेंगे आई प्लस प्लस, फिर से आई की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास थ्री, एस इज इक्वल टू एस प्लस आई, यानी कि एस की नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी थ्री प्लस थ्री इज इक्वल टू सिक्स, तो एस की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास सिक्स। दोबारा से जाएंगे लूप में, कंडीशन चेक करेंगे, आई प्लस प्लस आई की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास फोर, और एस की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास सिक्स प्लस फोर इज इक्वल टू टेन, कंडीशन ट्रू। फिर से हम दोबारा से जाएंगे, आई प्लस प्लस आई की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास फाइव, तो नेक्स्ट वैल्यू कितनी होगी एस की हमारे पास टेन प्लस फाइव विच इज इक्वल टू फिफ्टीन, नेक्स्ट वैल्यू एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास ट्वेंटी वन, अगली एस की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास ट्वेंटी एट, एंड सो ऑन। देखिए एस कैसे इंक्रीमेंट कर रहा है, देखो पहली वैल्यू हमारे पास है वन, दूसरी वैल्यू हमारे पास है 1 प्लस टू, तीसरी वैल्यू हमारे पास है 1 प्लस टू प्लस थ्री, चौथी जो वैल्यू है हमारे पास ये है हमारे पास 1 प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर, नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास 1 प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव, अगली जो वैल्यू है हमारे पास दिस इज 1 प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स। तो जो s इंक्रीमेंट हो रहा है वो इनके सम की तरह इंक्रीमेंट हो रहा है, इनिशियल वैल्यू थी हमारे पास 1, अब लेट अस से s किसी kth टर्म तक इंक्रीज हुआ, kth टर्म तक, देखो दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकंड टर्म, दिस इज द थर्ड टर्म, दिस इज द फोर्थ टर्म, अप टू सो ऑन, जो ये जो हमारे kth टर्म होगी इसकी वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, ये होगा हमारे पास ये जो वैल्यू होगी दिस इज 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस फोर अप टू सो ऑन के, तो ये जो टर्म है ये हमारे पास होगा के इंटू के प्लस वन डिवाइड बाय टू। तो इस तरीके से एस की वैल्यू हमेशा इंक्रीमेंट हो रही है,
तो लास्ट टर्म जैसे हमारे पास ये टर्म है k into k plus 1 divide by 2, तब तक ये कितनी बार चला, this is the first term, this is the second term, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth and so on. अब ये कंडीशन फॉल्स कब होगी, ये कंडीशन फॉल्स तब होगी कि जब s की जो सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पर रीच हुई है, ये वाली वैल्यू अगर n से बड़ी हो जाए तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी. तब तक ये लूप कितनी बार चलेगा, ये k टाइम चलेगा, है ना. देखो ये अगर s की वैल्यू जो है s इज लेस देन और इक्वल टू n है, तो जो लास्ट वैल्यू अगर ये वाली n के इक्वल होगी तब तक तो लूप चलेगा, इसके अगली वाली जो वैल्यू है वो n से बड़ी हो जाएगी तो लूप फेल हो जाएगा. तो अगर मैं बोलता हूँ कि s की जो लास्ट वैल्यू है वो ये है, अगर इफ k इंटू k प्लस 1 डिवाइड बाई 2, अगर ये वाली जो वैल्यू है ये हमारी n से बड़ी हो जाए किसी तरीके से, उस कंडीशन में ये वाला जो लूप है ये फेल हो जाएगा. तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी, देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज k स्क्वायर प्लस k डिवाइड बाई 2 इज ग्रेटर देन n. आप इस 2 को इस साइड लेके जाइए तो बन जाएगा हमारे पास k स्क्वायर प्लस k ग्रेटर देन 2n, इट शुड बी ग्रेटर देन 2n. अब ध्यान दीजिए, जब मैं एसिम्प्टोटिक नोटेशंस आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास n स्क्वायर प्लस n प्लस 100 है तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो सबसे बड़ी पावर पर ही डिपेंडेंट होती है. इसी तरीके से यहाँ पर जो छोटी पावर, हम इसको यहाँ पर इग्नोर कर सकते हैं. तो बन जाएगा इफ k स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2n, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज k शुड बी ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ 2n, और 2 जो है कॉन्स्टेंट वैल्यू है तो हम कह सकते हैं k शुड बी ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ n. जब k की जो वैल्यू है वो अंडर रूट n से बड़ी हो जाएगी, यानी कि लूप चला k टर्म्स तक और k की जो वैल्यू है वो यहाँ पर अंडर रूट ऑफ n से अगर बड़ी हो जाएगी, तो उस केस में ये जो कंडीशन है ये फेल हो जाएगी और हम इस वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे. तो लूप कितनी बार चला, लूप चला हमारे पास अंडर रूट ऑफ n टाइम्स. तो ये जो हमारे पास फंक्शन है, ये जो वाइल लूप है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ अंडर रूट ऑफ n. तो अंडर रूट ऑफ n इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी. अब ध्यान दीजिए, मैक्सिमम टाइम या मिनिमम टाइम ये इतना ही चलेगा, इसके अंदर कोई हम कंडीशन चेक नहीं कर रहे, चाहे ऑर्डर नोटेशन हो या ओमेगा नोटेशन हो, दोनों यहाँ पर सेम होगी. तो इसको हम कह सकते हैं थीटा ऑफ अंडर रूट ऑफ एन. ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा. अब थोड़ा सा मैं इसको एक बार रब कर देता हूँ यहाँ से, ताकि मैं आपको नेक्स्ट केस भी समझा पाऊँ. देखो नेक्स्ट केस में क्या है हमारे पास, वॉइड फंक्शन इंटीजर एन int I is equal to and count is equal to 0. I है हमारे पास, count is equal to 0. For I is equal to 1, I square less than equal to n and I plus plus and we are doing count plus plus. अगर हम ये बता पाए कि ये लूप कितनी बार चलेगा तो हम बता सकते हैं कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी. अब यहाँ पर चेक करो, जो I है, I की इनिशियल वैल्यू है हमारे पास 1. हमने कैसे चेक किया, 1 square is less than n, count plus plus किया और हमने I प्लस प्लस किया. ठीक है, तो ये हमारे पास काउंट की वैल्यू है, दिस इज I एंड दिस इज I एंड दिस इज काउंट. ठीक है, तो इनिशियली काउंट की वैल्यू थी हमारे पास 0, जब ये काउंट प्लस प्लस हुआ उसके पास काउंट की वैल्यू बन जाएगी हमारे पास 1, और फिर I की नेक्स्ट वैल्यू बनेगी 2, काउंट की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2. I की नेक्स्ट वैल्यू होगी 2, तो कंडीशन जो चेक करेगा वो होगा हमारे पास 2 स्क्वायर इज लेस देन n, यानी कि हम चेक करेंगे I स्क्वायर को चेक कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 4 और काउंट की वैल्यू होगी हमारे पास 2. नेक्स्ट टाइम जब दोबारा से जाएंगे हम I प्लस प्लस करने के बाद, दोबारा से कंडीशन को चेक करेंगे, उस केस में काउंट I की जो वैल्यू है वो हम 9 इवेल्यूएट करेंगे और काउंट की वैल्यू हो जाएगी 3. देखो I इंटू I है, ये I स्क्वायर है, यानी कि अगर हम I की वैल्यू 3 होती है तो ये वैल्यू हो जाएगी 9. ठीक है, नेक्स्ट टाइम I की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 16 और काउंट की वैल्यू हो जाएगी 4. अप टू सो ऑन, जो काउंट जो लूप है ये कब तक चलेगा, जब तक काउंट की वैल्यू हमारे पास कुछ एक कुछ वैल्यू नहीं हो जाती, लेट अस से के, तब तक ये आई की वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास, आई की वैल्यू बनेगी हमारे पास के स्क्वायर. अब ये कंडीशन कब फॉल्स होगी, जब ये जो के स्क्वायर है ये हमारा एन से बड़ा हो जाए. तो इफ के स्क्वायर इज ग्रेटर देन एन, इफ के स्क्वायर इज ग्रेटर देन एन, उस केस में ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी. तो ये जो बनेगा हमारे पास, ये बनेगा के शुड बी ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ एन, जो के की वैल्यू है वो अंडर रूट ऑफ एन से बड़ी होगी तो ये कंडीशन फेल फॉल्स हो जाएगी, के शुड बी ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ एन. ध्यान दीजिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वॉइड फंक्शन इन 10. तो इस केस में हमारे पास आई, जे, के और काउंट हमारे पास ये वेरिएबल्स हैं. यहाँ पर i की वैल्यू जो इनिशियलाइज की है, जो i स्टार्ट हुआ है वो n बाय 2 से स्टार्ट हुआ है. ठीक है, और i इज लेस देन इक्वल टू n,
i plus plus, i की वैल्यू n by 2 से स्टार्ट हुई है. तो यहां पर देखो, अगर i की वैल्यू n by 2 से स्टार्ट हुई है और i हमेशा इंक्रीमेंट कर रहा है, इस केस में देखो इनर लूप जो है ना वो आउटर लूप पे भी डिपेंडेंट नहीं है. तो हम इनर किसी भी लूप के अंदर हम आउटर लूप की टाइम को आउटर लूप के i की वैल्यू को चेंज नहीं कर रहे. तो अगर सिर्फ मैं आउटर लूप देखता हूँ, देखो ये नेस्टेड लूप्स हैं, इस लूप के अंदर ये लूप है, इस लूप के अंदर ये लूप है, तो तीन नेस्टेड लूप्स हैं हमारे पास. दो तरीके इवेलुएट करने का, या तो मैं इस तीनों के अंदर बता दूँ कौन सी स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट हो रही है, या फिर मैं बता दूँ कि आउटर लूप कितनी बार चल रहा है, ये वाला लूप कितनी बार चल रहा है, ये वाला लूप कितनी बार चल रहा है, फिर ये इस वाले लूप की वजह से कितनी बार चल रहा है और ये इस वाले लूप की वजह से कितनी बार चल रहा है. ठीक है, अगर मैं आउटर लूप की बात करता हूँ तो आई की वैल्यू एन बाय टू से स्टार्ट है, तो इस केस में आई की जो वैल्यू है वो एन बाय टू से स्टार्ट है. नेक्स्ट टाइम आई प्लस प्लस होगा और आई लूप कब तक चलेगा, जब तक आई की वैल्यू एन से छोटी ना छोटी रहेगी. तो नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू कितनी होगी, एन बाय टू प्लस वन. उसके बाद नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू कितनी होगी, वो बन जाएगी एन बाय टू प्लस टू. नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू कितनी होगी, वो बनेगी हमारे पास एन बाय टू प्लस लेट अस से एन बाय टू. तो जब एन बाय टू प्लस एन बाय टू होगा तो उस केस में आई की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास एन, आई की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास एन. उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू आई की बनेगी वो एन से बड़ी हो जाएगी और लूप फेल हो जाएगा. तब तक ये लूप कितनी बार चला, ये लूप चला हमारे पास एन बाय टू, यानी कि जीरो वन टू अप टू सो ऑन एन बाय टू. तो रफली अगर आप कहेंगे ये वाला जो लूप है कितनी बार चला, ये एन बाय टू टाइम्स चलेगा, ये एन बाय टू टाइम्स चलेगा, यानी कि जीरो से लेकर एन बाय टू, इस तरीके से. तो एन बाय टू टाइम्स चलेगा रफली. उसी तरीके से जब हम दूसरा लूप चेक करेंगे जे इज इक्वल टू वन, यहाँ पर हम देख रहे हैं, देखो यहाँ पर आई हमने एन बाय टू से स्टार्ट किया था और यहाँ पर हम कंडीशन के अंदर जे के साथ एन बाय टू ऐड कर रहे हैं. अगर आप इस लूप के अंदर चेक करते हैं कि लूप कितनी बार चलेगा, तो ये वाला लूप भी आपके पास एन बाय टू टाइम्स चलेगा. क्यों? क्योंकि जे की वैल्यू वन है, तो ये कंडीशन क्या बन जाएगी हमारे पास, वन प्लस एन बाय टू. जब जे की वैल्यू टू हो जाएगी यहाँ से, तो कंडीशन क्या बन जाएगी हमारे पास टू प्लस एन बाय टू. इसी तरीके से जे की वैल्यू इंक्रीज होती चली जाएगी. और लूप कब फेल होगा, जब जे की वैल्यू एन बाय टू प्लस एन बाय टू होगी, तब तक तो ये कंडीशन ट्रू रहेगी, और जैसे ही जे की वैल्यू एन बाय टू से बड़ी होगी तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी. तो ये वाला जो केस है, ये वाला जो लूप है, ये भी हमारे पास एन बाय टू टाइम चल रहा है और आउटर लूप भी हमारे पास एन बाय टू टाइम चल रहा है. और जो सबसे इनर लूप है, अगर हम इसको बता सके कि ये कितनी बार चल रहा है, देखो ध्यान दीजिए, मैंने पहले भी आपको शायद कराया हो, आई थिंक नहीं कराया मैंने. तो जो सबसे इनर लूप है, ये हमारे पास ट्रिक है. ये आउटर लूप, बाहर के दोनों लूप बहुत ईजी थे, उनको समझना बहुत ईजी था, लेकिन यहाँ पर ट्रिक क्वेश्चन क्या है कि आप ये बता सकते हैं कि सबसे अंदर वाला लूप कितनी बार चलेगा. अब अंदर वाले लूप की तरफ देखो, तो के की वैल्यू इनिशियली वन है, के की सबसे पहली वैल्यू वन है. हमने बोला वन इज लेस देन इक्वल टू एन, काउंट प्लस प्लस, दोबारा से के की वैल्यू क्या बनी, देखो के की वैल्यू बनी है बेटा हमारे पास टू. हमने चेक किया क्या टू एन से कम है, यस. फिर से हम यहाँ पर कंडीशन इंक्रीमेंट करेंगे तो के की वैल्यू नेक्स्ट टाइम क्या बनेगी बेटा, टू स्क्वायर. फिर से हमारे पास के इज लेस देन इक्वल टू एन है, तो दोबारा से हम यहाँ पर जाएंगे, के की वैल्यू चेक करेंगे, ये बनेगी टू क्यूब. फिर दोबारा से हम कंडीशन चेक करेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम के की वैल्यू कितनी बनेगी हमारे पास, टू रेस्ट पावर फोर अप टू सो ऑन. तो ये कुछ टर्म्स तक चलेगा, लेट अस से ये टर्म चल रहा है हमारे पास 2 रेस्ट पावर आईएथ टर्म तक, ये हमारे पास चल रहा है 2 रेस्ट पावर आईएथ. मैंने 2 रेस्ट पावर आईएथ क्यों बोला, क्योंकि जब ये 2 रेस्ट पावर आई होगा, यानी कि किसकी वैल्यू है, ये के की वैल्यू है, जब ये वाली वैल्यू इस एन से बड़ी होगी, तब हमारे पास ये लूप फेल हो जाएगा. तब तक ये लूप कितना चला, व्हेन 2 रेस्ट पावर आई इज ग्रेटर देन एन, उस केस में ये लूप हमारे पास फेल हो जाएगा. तब तक ये लूप कितना बार चला, ये चला हमारे पास 2 रेस्ट पावर 0 से लेकर 2 रेस्ट पावर आई माइनस वन, यानी कि टोटल हमारे पास ये चला है आईथ टाइम्स, ये लूप हमारे पास आई टाइम्स तक चलेगा. अब आई की वैल्यू आप बता दीजिए तो बता सकते हैं लूप कितनी बार चलेगा. तो इस केस में लूप की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, टेक लॉगरिथम ऑन बोथ द साइड्स, तो हम इसको लिख सकते हैं लॉग आई लॉग टू बेस टू शुड बी ग्रेटर देन लॉग एन बेस टू. तो इसको कह सकते हैं कि आई शुड बी ग्रेटर देन लॉग एन बेस टू, यानी कि ये जो लूप है अगर लॉग एन बेस टू तक चलेगा तभी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी. तो ये जो लूप है ये चला है हमारे पास लॉग एन बेस टू. तो अब देखो, सबसे बाहर वाला लूप एन बाय टू टाइम्स, अंदर वाला लूप एन बाय टू टाइम्स, अंदर वाला लूप एन बाय टू टाइम्स, और सबसे अंदर वाला लूप लॉग एन टाइम्स. अब ये जो लूप है ये इस लूप की वजह से कितनी बार चलेगा, ये चलेगा लॉग एन एन बाय टू मल्टीप्लाइड बाय लॉग एन बेस टू. अब ये सबसे बाहर वाला लूप की वजह से कितनी बार चलेगा, n बाय टू मल्टीप्लाइड बाय n बाय टू मल्टीप्लाइड बाय लॉग एन बेस टू.
तो कितना आएगा हमारे पास, बेटा ध्यान दीजिएगा, ये कितना आएगा, ये बनेगा n square divided by 4 log n base 2, जो वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, इट कैन बी डन एज ऑर्डर ऑफ n square log n, n square log n, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको पता होना चाहिए कि n square log n है. अगर आप इसको प्रूव कर सकते हैं कि n square log n है, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर हम लोग जो सीरीज़ के जो फॉर्मूलेस हैं किस तरीके से एप्लीकेबल है. यहाँ पर जो सीरीज़ का जो फॉर्मूला हमने लगाया है वो देखिए, जो k की जो वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही थी, पहले k की वैल्यू क्या थी 1, नेक्स्ट टाइम k की वैल्यू क्या बनी 2, नेक्स्ट टाइम k की वैल्यू क्या बनी 2 स्क्वायर, नेक्स्ट टाइम k की वैल्यू क्या बनी 2 क्यूब, फिर k की वैल्यू क्या बनी 2 रेस्ट पावर 4, अप टू सो ऑन, जो लास्ट में k की वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी बेटा 2 रेस्ट पावर i. अगर आप इस 2 रेस्ट पावर i को चेक करेंगे, देखो लास्ट की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 2 रेस्ट पावर i. इस 2 रेस्ट पावर i तक ये लूप कितनी बार चला, ये लूप कितनी बार चला, ये लूप चला हमारे पास i टाइम्स, ये लूप हमारे पास i टाइम्स तक चला, ध्यान दो i टाइम्स. अगर i टाइम्स तक लूप चला, अगर आप ये बता सकते हो कि i की वैल्यू कितनी है, तो आप बता सकते हो कि अंदर लूप कितनी बार चलेगा, ध्यान दीजिएगा अंदर लूप कितनी बार चलेगा. तो कितनी बार चलेगा, टेक लॉग ऑन बोथ द साइड्स, तो आपके पास आया हमारे पास i log 2 base 2, ठीक है. तो ये यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगी, कौन सी प्रॉपर्टी लगी बेटा, यहाँ पर लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी लगी. कौन सी प्रॉपर्टी लगी लॉगरिथमिक की, जो मैंने आपको बताया था log n raise to power k. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, k into log n, हम इसको k into log n लिख सकते हैं. तो वही जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर अप्लाई करी है, ठीक है. तो ये बन जाएगा हमारे पास i log 2 with base 2, ठीक है. तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो कि ये फंक्शन, ये लूप कितनी बार चल रहा है, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनी है हमारे पास n square log n. अब ध्यान दो, इस log n के साथ मैंने base 2 नहीं लिखा, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट टर्म है base 2, ठीक है. तो हम कॉन्स्टेंट टर्म को इग्नोर करेंगे. तो आपको ये तीन प्रोग्राम समझ में आए. अब लेते हैं हमारे पास फोर्थ प्रोग्राम. तो फोर्थ प्रोग्राम क्या है हमारे पास, हमारे पास है void function integer n, int i j k count is equal to 0, for i is equal to n by 2, i less than equal to n, i++, for j is equal to 1, j less than equal to n, j is equal to 2 into j, for k is equal to 1, k less than equal to n, k is equal to k into 2. अब देखो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है, मुझे दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है. क्यों, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको यहाँ पर बता चुका हूँ. अगर आपको ये वाला पिछले वाला समझ में आया तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा. अब देखो जो ये पहले वाला लूप है हमारे पास फॉर लूप, इसकी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हुई, n by 2, n by 2 से कब तक चल रहा है, n तक. तो बाहर वाला जो लूप है ये हमारे पास चलेगा n by 2 टाइम्स, ये हमारे पास चलेगा n by 2 टाइम्स. कैसे, सेम वही लॉजिक जो यहाँ पर लगा था हमारे पास, सेम वही लॉजिक जो यहाँ पर हमारे पास लगा था. अब दूसरा वाला लूप देखो, दूसरा हमारे पास j is equal to 1, j less than equal to n, j 2 into j, देखो 2 into j, और यहाँ पर भी हमने किया था k into 2. तो जो यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकली थी वो ही यहाँ पर निकलेगी. तो इस वाले फॉर लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ये कितनी बार चलेगा फॉर लूप, ये कितनी बार चलेगा, ये चलेगा log n base 2 times, ये चलेगा हमारे पास log n base 2 times. देखो बेटा ध्यान से, नेक्स्ट हमारे पास ये k लूप है. अब ये जो k वाला लूप है, k is equal to 1 से लेकर k less than equal to n, k plus plus, देखो k plus plus में यहाँ पर क्या है, k is equal to k into 2, तो सेम यही प्रोग्राम है यहाँ पर. तो ये वाला जो लूप है ये भी हमारे पास चलेगा log n base 2 times. अगर आप टोटल देखते हैं कि ये कितनी बार चलेगा, तो कितनी बार चलेगा हमारे पास, n by 2 multiplied by log n base 2 multiplied by log n base 2, जिसको आप लिख सकते हैं n into log square n. तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी निकलेगी, ऑर्डर ऑफ n into log square n. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. अगर समझ में नहीं आया तो ध्यान दीजिए, कमेंट सेक्शन भी नीचे है हमारे पास, आप कभी भी मुझे ईमेल कर सकते हैं अपने डाउट्स को. अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आती मुझे बताओ, मैं आपके क्वेश्चन आंसर का वेट कर रहा हूँ, मुझे बताओ तो मैं उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर दूंगा, ये मेरी प्रॉमिस है, मैं आपको ज़रूर उसका सॉल्यूशन दूंगा. नेक्स्ट देखो हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5. तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है हमारे पास, फंक्शन इंटीजर n, इफ n इज इक्वल टू 1 देन रिटर्न. देखो ध्यान दो बेटा, अगर n की वैल्यू 1 है तो रिटर्न हो जाएगा, तो हमारे पास फॉर लूप उस केस में एग्जीक्यूट ही नहीं होगा. तो कम से कम ये लूप कितनी बार चलेगा, अगर n की वैल्यू 1 है उस केस में ये फंक्शन जो है वो चलेगा सिर्फ ओमेगा ऑफ 1 टाइम. ध्यान दो यहाँ पर ओमेगा ऑफ 1 नहीं है, यहाँ पर क्या है, ओमेगा ऑफ n log स्क्वायर n, यहाँ पर क्या है ओमेगा ऑफ जो हमने निकाला था इसके अंदर ओमेगा ऑफ अंडर रूट n, यहाँ पर हमने निकाला था ओमेगा ऑफ
this will be omega of under root n. यहाँ पर हमने निकाला था ये कितना होगा omega of n square log n, लेकिन इस केस में भी omega of n log square n, लेकिन इस केस में अगर if condition execute होती है तो हम इस for loop को execute करेंगे ही नहीं, तो उस केस में ये होगा omega of 1, ठीक है. अब maximum कितनी बार चलेगा, जब ये if condition false होती है तब हमारे पास for loop execute होगा, तब ये maximum चलेगा, उस केस में कितनी बार चलेगा, देखो for I is equal to 1, I less than equal to n, I plus plus, तो ये जो outer loop है, ये outer loop है, ये कितनी बार चलेगा, outer loop हमारे पास total n times चलेगा. अब दूसरा inner loop है हमारे पास for j is equal to 1, j less than equal to n, j plus plus, तो जो inner loop है कितनी बार चलेगा बेटा, ये total n times चलेगा. तो अब ध्यान दो, इस केस में क्या है कि अगर ये break statement नहीं होती, ये एक important चीज है, ये एक important चीज है, अगर ये break statement नहीं होती तो inner loop n times चलता, लेकिन because ये break statement है, break statement करती क्या है, immediate loop से हमें बाहर निकाल देती है. तो जैसे ही j की वैल्यू 1 होगी, 1 कंडीशन चेक करी, हम नीचे आए और हमने सीधा ब्रेक कर दिया, इनके इस लूप से बाहर निकल गए. तो लूप हमेशा जब भी i की वैल्यू 1 है तो ये एक बार चलेगा, एक ही बार चलेगा लूप, i की वैल्यू 2 है तो भी एक बार चलेगा, 3 बार चलेगा, तो ये पूरी बार चलेगा ही नहीं, तो ये कभी भी लूप n टाइम चल ही नहीं पाएगा. क्यों नहीं चल पाएगा, बिकॉज ऑफ दिस ब्रेक स्टेटमेंट. आपको पता होना चाहिए ब्रेक स्टेटमेंट है क्या, प्रोग्रामिंग के जो वीडियोस है वो आपने शायद पढ़े होंगे प्रोग्रामिंग के वीडियोस से, तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रेक स्टेटमेंट है क्या. तो ये जो लूप है हमारे पास फॉर लूप, ये इस ब्रेक स्टेटमेंट की वजह से सिर्फ एक ही बार चल पाएगा और दोबारा ये पूरा एन टाइम्स नहीं चल पाएगा. तो इस पूरे केस में ये जो आउटर लूप की वजह से जो इनर लूप है वो आउटर लूप एन टाइम्स चल रहा है, इनर लूप हर बार एक ही बार एग्जीक्यूट होगा, बार बार एग्जीक्यूट नहीं होगा. तो जो पूरा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर लगेगी वो सिर्फ ऑर्डर ऑफ एन चलेगी. यहाँ पर ध्यान दो, बिकॉज ऑफ दिस ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ पर ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर एज अ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है. तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, अगर ये चीज़ें आपको पता है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं. अब मैं आगे बढ़ूंगा और मैं और प्रोग्राम्स इस तरह से लूंगा और उन सभी प्रोग्राम के साथ पहले आपके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में बताऊंगा, फिर कुछ फंक्शंस जो हम लिखते हैं उनके साथ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप इवेल्युएट करेंगे, और फिर हम दोबारा से वापस आएंगे और फिर दोबारा से हम नॉन रिकर्सिव की जगह रिकर्सिव फंक्शंस को चेक करेंगे और रिकर्सिव फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे, और तब आपको मैं बताऊंगा कि रिकर्सिव फंक्शन में निकालना नॉन रिकर्सिव से बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है. रिकर्सिव फंक्शन में ज़्यादा नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, नॉन रिकर्सिव फंक्शन में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना बहुत ही आसान है. कोई बच्चा 10th क्लास का बच्चा भी है, 10th क्लास का बच्चा भी नॉन रिकर्सिव फंक्शन में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल सकता है, लेकिन रिकर्सिव फंक्शन के लिए आपको पता होना चाहिए कि रिकरेंस रिलेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, वो एक डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का टॉपिक है. रिकर्सिव फंक्शन को पढ़ने से पहले आप चाहें तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में जाइए या फिर मेरे रिकरेंस रिलेशन के वीडियोस में जाइए, रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करना सीखिए, फिर वापस आइए, तब आप रिकर्सिव फंक्शन को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है. तो अभी के लिए इस वीडियो से मैं इसको ऑफ करता हूँ. अभी इसके आगे हम लोग फिर से करेंगे और मैं कुछ प्रोग्राम्स लूँगा नॉन रिकर्सिव के, फिर हम आएंगे रिकर्सिव फंक्शन के लिए, ठीक है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.